हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। दोस्तों, हम सोमेन मॉस की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 34 है, जिसमें कि आज हम सिविल इंजीनियरिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है शियर स्ट्रेस इन बीम, इसको स्टडी करेंगे। ये मैकेनिकल के सिलेबस में नहीं दे रखा है, ओनली सिविल के सिलेबस में है और ये चैप्टर हम आज के सिंगल लेक्चर में ही कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, काफ़ी आसान चैप्टर है। सबसे पहले हम बात करें टॉपिक्स की, तो पहला टॉपिक हम जानेंगे शियर स्ट्रेस इन बीम, यानी धरन में कर्तन प्रतिबल जो होता है वो कैसे उत्पन्न होता है, कर्तन प्रतिबल की डेफिनेशन क्या होती है, इंट्रोडक्शन है बेसिक सा कि किसी भी बीम में शियर स्ट्रेस कैसे उत्पन्न होंगे, इसके बारे में जान लेंगे हम पहले टॉपिक में, ठीक है। और इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसमें थ्योरी पार्ट नहीं पूछा जाता आपके एग्जाम में, बिकॉज थ्योरी इसमें है भी नहीं, केवल दो तीन छोटे छोटे डेरिवेशन है एंड उसके बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसलिए बहुत आसान सा चैप्टर है ये। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेक्शंस, यानी विभिन्न अनुप्रस्थ काटों में कर्तन प्रतिबलों का वितरण, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम। जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसमें कर्तन प्रतिबल का वितरण कैसे होता है, ट्रेंगुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, सिमेट्रिकल आई सेक्शन, तो यहाँ पर ये जो तीन स्टार्टिंग है, ये तीन है ना, रेक्टेंगुलर, ट्रेंगुलर, सर्कुलर, इनके डेरिवेशन है कि किसी भी आयताकार काट में शियर स्ट्रेस कैसे उत्पन्न होगा, कहाँ पर मैक्सिमम होगा, कहाँ पर मिनिमम होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, तो ये तीन डेरिवेशन है मेन, इन तीन डेरिवेशन को पढ़ेंगे और आई सेक्शन का फॉर्मूला पढ़ेंगे। इसके बाद इन पर ही आधारित ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन और कुछ और नए सेक्शन आपको दिखाएंगे जिनके की हम शियर स्ट्रेस डायग्राम पढ़ेंगे, कर्तन प्रतिबल आरेख। हमने SFD BMD में शियर फोर्स डायग्राम पढ़ा था, यहाँ हम शियर स्ट्रेस डायग्राम पढ़ेंगे। कोई भी सेक्शन दे दिया जाए, उस सेक्शन का हम शियर स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसमें कैलकुलेशन नहीं होगी, ओनली डायग्राम होगा। हालांकि पॉलिटेक्निक एग्जाम में नहीं पूछा जाता है पेपर में ये डायग्राम, लेकिन फिर भी आपको समझा देंगे, अगर पूछा जाएगा तो आप इजीली बता पाएंगे कि इस सेक्शन का शियर स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगा। देन आफ्टर आपको फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेन जो टॉपिक रहेंगे हमारे, सिर्फ यही टॉपिक मेन है, एक तो ये चार टॉपिक इनको स्टडी करना है, जिनमें से शुरू के तीन ये डेरिवेशन है और बाकी ये न्यूमेरिकल है, मेन तो सिर्फ यही है, बाकी ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इनको भी हम समझ लेंगे साथ में, जिससे कि चैप्टर में इजीली पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन की बात करें, एग्जाम पेपर में एक ही क्वेश्चन पूछेगा मुश्किल से इसका, वो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा अगर आया तो, या फिर ये डेरिवेशन इधर वाले, थ्योरी पार्ट इसमें से नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं आपको पूरा चैप्टर कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग टॉपिक्स के नाम समझ गए होंगे, क्या क्या आप इसमें पढ़ेंगे, तो एक बार आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम टॉपिक नंबर फर्स्ट से इसको स्टार्ट करते हैं, लिख लीजिए इसे। तो चलिए समझते हैं, सबसे पहला टॉपिक शियर स्ट्रेस इन बीम, यानी धरन में कर्तन प्रतिबल। यहाँ थ्योरी लिख दिया मैंने, क्योंकि पहला टॉपिक हमारा थ्योरी पार्ट है ये वाला, तो इसको थ्योरी मैंने पहले लिख दी जिससे हमारा टाइम बच जाए, तो इसको आप बाद में पढ़ना, पहले एक बार समझ लेंगे आप। वैसे आप ऑलरेडी जानते हैं बीम शियर स्ट्रेस के बारे में, फिर भी आप पहले यहाँ समझेंगे डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। आप सभी जानते हैं, जैसे ये कोई बीम है, ये कोई भी बीम है, ठीक है। सपोज डैट मैंने यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम बना दी, कोई भी कैसी बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। आप लोग जानते हैं बीम की जो अक्ष होती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल अक्ष होती है इसके, इस तरह से, ठीक है। एंड आपको ये भी पता है, जब इस पर कोई भी लोड लगता है तो बीम पर ऊपर से कैसा लगेगा, लंब रूप में लगता है, मतलब परपेंडिकुलर लोड कार्य करेगा इस पर। ये इस लोड का नाम आप सब जानते हैं, इस लोड को हम क्या कहते हैं, तो इस लोड को हम कहते हैं ट्रांसवर्स लोड। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स लोड, मतलब अनुप्रस्थ भार कहते हैं। अब इस लोड के कारण बीम में क्या होगा, ये बाद में पढ़ना प्लीज, आप इधर समझ लें पहले। अब इस लोड के कारण बीम में दो प्रक्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी, सबसे पहला तो इसमें शियर फोर्स उत्पन्न होता है, दूसरा इसमें बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न होता है। आपको मैंने SFD एंड BMD वाला चैप्टर पढ़ाया था, वहां आप सबको बताया था कि जब भी किसी भी बीम की अक्ष के लंबवत कोई भी बल कार्य करता है, मतलब जब भी कोई भी बीम पर ट्रांसवर्स लोड कार्य करेगा, तो उस ट्रांसवर्स लोड के कारण बीम में दो प्रतिक्रियाएं होंगी, कौन कौन सी, एक तो उसमें शियर फोर्स कार्य करने लगेगा और दूसरा उसमें बेंडिंग मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, जिसके लिए हमने SFD एंड BMD बनाया था इससे पिछले चैप्टर्स में, ठीक है। तो यहां पर मैंने पहले यही लिखा है, जब किसी धरन पर उसकी अक्ष के लंबरूप भार अर्थात अनुप्रस्थ भार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्स लोड, लगाया जाता है, तो इसके प्रभाव में दो प्रक्रियाएं होती हैं, समझ पा रहे ना। जब भी किसी भी बीम पर उसकी अक्ष के लंबरूप अर्थात ट्रांसवर्स लोड लगाया जाता है,
तो इसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी? सबसे पहली कर्तन बल, दूसरा नमनाघूर्ण। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्शंस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसवर्स लोड के इफेक्ट में बीम में दो प्रकार के एक्शन होंगे, दो प्रकार के प्रक्रियाएं होंगी। सबसे पहला इसमें शियर फोर्स कार्य करने लगेगा, दूसरा इसमें बेंडिंग मोमेंट उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि बीम बेंड करती है इसके कारण। ये दो क्रियाएं होती हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि शियर फोर्स के कारण जो हमारी बीम में स्ट्रेस आएगा उस स्ट्रेस को हम कहेंगे शियर स्ट्रेस, एंड बेंडिंग मोमेंट के कारण जो स्ट्रेस आएगा उसको हम कहेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। इतना सभी समझ पा रहे हैं? तो यही मैंने यहाँ लिखा है नीचे। इस प्रकार कर्तन बल के कारण धरण की काट में कर्तन प्रतिबल तथा नमन आघूर्ण के कारण नमन प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए आप, द शियर स्ट्रेस डेवलप्ड एट ए सेक्शन ऑफ ए बीम ड्यू टू शियर फोर्स एंड बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट। समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सुनिए, आप पढ़ चुके हैं, अब इसको आप नोट भी कर लीजिएगा अपने नोट्स में। फिलहाल आपको याद कैसे रखना, सिंपल लैंग्वेज में सुनिए। ये आपने क्या लगाया? लोड। तो ये बीम की अक्ष है, तो बीम की अक्ष पर लोड कैसे लग रहा है? परपेंडिकुलर। इसका नाम क्या होता है? ट्रांसवर्स लोड। तो हम यहाँ तक बोल देंगे कि किसी भी बीम की अक्ष पर लंबवत बल या लंबवत भार अर्थात ट्रांसवर्स लोड कार्य करता है। तो इस पर दो क्रियाएं होंगी, कौन कौन सी? एक तो इसमें शियर फोर्स उत्पन्न होगा और दूसरा इसमें बेंडिंग मोमेंट उत्पन्न होगा। क्लियर ना? फिर आगे हम क्या लिखेंगे कि शियर फोर्स के कारण बीम के सेक्शन में जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसे हम शियर स्ट्रेस कहते हैं, एंड बेंडिंग मूवमेंट के कारण बीम में जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसे बेंडिंग स्ट्रेस कहेंगे। समझ पा रहे हैं ना सभी लोग? हमें यहाँ पर पढ़ना क्या है? हमें यहाँ पर शियर स्ट्रेस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शियर स्ट्रेस पढ़ना है ये वाला। क्लियर है इतना सभी को? क्लियर हो रहा है ये चीज? तो आप इसकी थ्योरी को एक बार नोट कर लीजिए, सिंपल सी थ्योरी है सिर्फ। अभी मैंने यहाँ सिर्फ ये बताया है कि बीम में कर्तन प्रतिबल कैसे उत्पन्न होते हैं। तो कैसे उत्पन्न होते हैं? जब बीम पर लोड लगेगा तो उस पर शियर फोर्स उत्पन्न होगा और शियर फोर्स के कारण ही बीम में शियर स्ट्रेस उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे हम ये भी कह सकते हैं लोड के कारण ही बीम में बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न होता है और बेंडिंग मूवमेंट के कारण बीम में बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न हो जाते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन वाले चैप्टर में, जिसका नाम ही था बेंडिंग स्ट्रेस। यहाँ पर हम शियर स्ट्रेस पढ़ेंगे। क्लियर ना? अब इसको हटाते हैं और समझते हैं आगे शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, जिसका यूज करके हम डेरिवेशंस करेंगे। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं, एक फॉर्मूला आपके सामने मैं डेराइव करके दिखाता हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप लोग तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। ठीक, आप इसको नोट कीजिए एक बारी, इसको लिखिए। चलिए फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं हम शियर स्ट्रेस का, हालांकि इसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा लास्ट में, जो लाइट गई कोई बात नहीं। चलिए इसका हम फॉर्मूला डेराइव करने वाले हैं, तो आपको पूरा फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं रटना है, बिकॉज ये वाला डेरिवेशन कभी नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो फॉर्मूला आपको याद करना, सिर्फ एक अकेला फॉर्मूला है उसको रट लीजिए, बाकी सारे डेरिवेशन इसके फॉर्मूले से ही होंगे। ठीक है, तो पहले एक बार मैं आपको दिखा दूं कि फॉर्मूला वो आएगा कैसे निकल के। अगर समझ आता है आपको तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो लास्ट में आप लोग फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। फिर बाकी जो हमारे सेक्शंस हैं, अदर सेक्शंस, रेक्टेंगुलर सेक्शंस हो गया, ट्रेंगुलर सेक्शन हो गया, सर्कुलर सेक्शन हो गया, उन सब सेक्शंस का डेरिवेशन आपको याद रखना है। ठीक है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है इसके पीछे, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ध्यान से आप लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको दो लाइन इसमें थ्योरी की लिखनी है। थ्योरी की आप क्या लिखेंगे कि चित्र में बीम का एक सेक्शन ए बी सी डी दिखाया गया है। क्या लिखेंगे? चित्र में बीम का एक सेक्शन ए बी सी डी दिखाया गया है जिसकी बहुत कम चौड़ाई डी एक्स है। ठीक है, जिसकी चौड़ाई यहाँ पर कितनी मान ली हमने? डी एक्स मान रखी है। एंड फिर लिखेंगे, एंड इसमें न्यूट्रल एक्सिस से बाई दूरी पर एक शेडेड एरिया है, एक छायादार क्षेत्रफल है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है फिर आगे, समझ के क्या करना है? आप लिखेंगे क्या? माना, यानी लिख दीजिएगा, चित्र में एक बीम का सेक्शन ए बी सी डी दिखाया गया है, ठीक, जिसकी बहुत कम चौड़ाई डी एक्स है। आगे लिखेंगे फिर, इसके न्यूट्रल एक्सिस से बाई दूरी पर एक छायादार क्षेत्रफल माना गया है। इतना कर लेंगे। इसके बाद लिखेंगे आप सेक्शन के ए बी, या फिर ए बी काट पर लिख दीजिएगा, ए बी सेक्शन पर, ए बी सेक्शन पर शियर फोर्स एफ है, एंड सी डी सेक्शन पर शियर फोर्स एफ प्लस डेल्टा एफ है।
समझ पा रहे हैं, मतलब यहाँ पर शेयर फोर्स एफ है तो आगे बढ़ते बढ़ते शेयर फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये काम आप ऐसे भी कर सकते, तो इधर एफ दिखा देते तो दूसरी साइड आपको एफ प्लस डेल्टा एफ दिखाना होता। ये कॉन्सेप्ट आप पीछे समझ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, एसएफडी बीएमडी वाले चैप्टर में। तो यहाँ मैंने नीचे लिख भी दिया एफ क्या है, शेयर फोर्स एट सेक्शन ए बी, सेक्शन ए बी पर एफ है शेयर फोर्स। अब इस शेयर फोर्स को ट्रेंगुलर फॉर्म में क्यों दिखा रखा है, क्योंकि जो शेयर फोर्स होता है उसकी वैल्यू वेरी करती है, बदलती है, ठीक है, ये सेम नहीं रहता पूरे सेक्शन पर, बदलेगा, कर्तन बल है ना इसलिए वेरी करता है, ठीक। सेम यहाँ पर लिख दिया एफ प्लस डेल्टा एफ क्या है, शेयर फोर्स एट सेक्शन सी डी, सी डी सेक्शन पर शेयर फोर्स है एफ प्लस डेल्टा एफ, यहाँ तक कर देंगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको एम दिखाना है, एम बेंडिंग मूवमेंट है सेक्शन ए बी पर, तो बेंडिंग मूवमेंट एट सेक्शन ए बी एम है, एंड एम प्लस डेल्टा एम क्या है, बेंडिंग मूवमेंट एट सेक्शन सी डी। तो आई थिंक सो ये डायग्राम आपको समझ आ रहा होगा। ऊपर से बीम पर यूडीएल लगा हुआ था जिसके कारण बीम में शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न हुआ है। इसको समझ गए डायग्राम को सभी, क्लियर लिख लेंगे ना इसके बारे में क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक बीम का सेक्शन है जिसकी चौड़ाई डी एक्स है, और इसके न्यूट्रल एक्सिस से बाई दूरी पर हमने क्या मान रखा है, एक छायादार क्षेत्रफल ले रखा है, ठीक है, ये वाला। बीम पर यूडीएल लगा हुआ जिसके कारण ए बी सेक्शन पर शियर फोर्स एफ उत्पन्न होगा एंड सी डी सेक्शन पर शियर फोर्स एफ प्लस डेल्टा एफ उत्पन्न होगा। ऐसी ए बी सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट एम तथा सी डी सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट एम प्लस डेल्टा एम उत्पन्न होगा, ठीक। इसी को सिंप्लीफाई करके इधर मैंने सेक्शन की फॉर्म में दिखा दिया, सिंपल बना के जो चौड़ाई है हमने सेक्शन की, न्यूमेरिकल में जो हम यूज करेंगे चौड़ाई को या फॉर्मूले में जो आएगी वो बी आएगी, कैपिटल बी। तो यहाँ पर हमने चौड़ाई कैपिटल बी ले रखी है, न्यूट्रल एक्सिस से दूरी बाई सेम रखी, इसके बाद इसके जो छायादार आपका जो शेडेड एरिया है उसका जो सेंटर है वो न्यूट्रल एक्सिस से इसका सेंटर बाई बार दूरी पर मान लिया। मान लिया इसकी जो गहराई थी कैपिटल डी थी, जिसकी न्यूट्रल एक्सिस तक की गहराई कितनी होगी, आधी होगी डी बाई टू ए, डी बाई टू ए, समझ पा रहे हैं इतना। बाकी अब आप लोग समझेंगे फॉर्मूला कैसे निकल के आएगा, ठीक। हम सब ने पढ़ा है क्या, वी नो डेट, या फिर चूंकि एम अपॉन आई इक्वल टू, या हम जानते हैं कि एम अपॉन आई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन वाई होता है, समझ पा रहे हैं। इस वाई को इस साइड ले जाइए तो यहाँ से हम सिग्मा निकाल सकते हैं, सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा बराबर आ जाएगा एम अपॉन आई इंटू में वाई, ठीक है। सिग्मा यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस है, ये इतना बताइए, क्लियर हुआ सभी को, ये आपने यहाँ से सिग्मा निकाल दिया, लिख दीजिएगा इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार जब हम सिग्मा प्लस डेल्टा सिग्मा करेंगे, सिग्मा प्लस डेल्टा सिग्मा जब हम करेंगे यहाँ पर, ठीक, डेल्टा कह दीजिए, फिर ये वाला डेल्टा बना लीजिए आप, ये वाला डेल्टा आप चाहें कौन सा ले सकते हैं, सिग्मा प्लस डेल्टा सिग्मा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो एम की जगह पर एम प्लस डेल्टा एम यूज हो जाएगा, एम की जगह पर एम प्लस डेल्टा एम यूज कर लेंगे, अपॉन में आई इंटू में भाई, समझ आ रहा है तो समझिए, लेकिन लास्ट में आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की आपको, इतना बताइए, यहाँ तक समझ आया सभी को। अब हम क्या लिखेंगे, शियर फोर्स, शियर फोर्स लिख लीजिएगा ऐसे, शियर फोर्स एट सेक्शन ए बी, सेक्शन ए बी पर शियर फोर्स कितना एफ है, हम सब ने पढ़ा है फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया होता है, तो हम कह देंगे क्या, शियर फोर्स एफ है तो स्ट्रेस इंटू एरिया लिख सकते हैं यहाँ पर, शियर स्ट्रेस इंटू एरिया, मैं नीचे ही लिख देता हूँ यहाँ पर क्या आएगा, शियर स्ट्रेस इंटू में एरिया, ठीक है, यही आएगा शियर स्ट्रेस एफ, ये एफ बराबर क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस हमने ऊपर निकाला सिग्मा, हम इसको सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं, समझ पा रहे हैं, या फिर मैं ये फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिख कर जगह बच जाएगी हमारी, यहीं डायरेक्ट सिग्मा इंटू ए कर दे रहा हूँ, पहचान लेंगे, इतना सबको पता होगा, शियर स्ट्रेस हमने सिग्मा मान लिया इंटू में एरिया ए मान रखा है, ठीक है, ए, इतना समझ आ रहा है सभी को, ये हो गया आपका सिग्मा इंटू ए, सिग्मा की वैल्यू रख दो, सिग्मा क्या आया, एम अपॉन आई इंटू वाई, यहाँ रख देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, एम अपॉन आई इंटू वाई गुणा में एरिया की वैल्यू ए, ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया, ठीक। इसी प्रकार आगे क्या लिखेंगे हम, इसी प्रकार शियर फोर्स, शियर फोर्स एट सेक्शन सी डी, सेक्शन सी डी पर कितना है, एफ प्लस डेल्टा एफ है, जो ये जो सी डी है इस पर एफ प्लस डेल्टा एफ है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सिग्मा की जगह क्या यूज करेंगे, सिग्मा प्लस डेल्टा सिग्मा, ठीक है, सिग्मा प्लस डेल्टा सिग्मा यूज करेंगे और एरिया को ए रखेंगे। अब हमने ऊपर निकाल रखी है वैल्यू, सिग्मा प्लस डेल्टा सिग्मा की वैल्यू ये है, इसको पुट कर दीजिए, क्या हो गया, एम प्लस डेल्टा एम अपॉन आई इंटू में वाई, समझ आ रहा है इतना, और गुणा एरिया, ये बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को, ये इक्वेशन दो हो गई। इक्वेशन फर्स्ट और टू को हम सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट से एफ की ये जो वैल्यू है इसको यहाँ रख सकते हैं हम, इक्वेशन टू में रख दीजिए यहाँ पर, लिख दीजिए यहाँ पर क्या, समीकरण एक से, समीकरण एक से
एफ का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, ठीक है, तो यहां रखिए, तो यहां से क्या आएगा, अब मुझे मिटाना पड़ेगा इधर वाला पोर्शन, इधर वाला डायग्राम आप लोग समझ गए थे सब, मैं ये वाला डायग्राम मिटा रहा हूं, ठीक है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए प्लीज करके, मैं उस साइड का डायग्राम मिटा रहा हूं, देखिए चलिए इधर सॉल्व करते हैं इससे आगे हम, तो यहां एफ को मैं डायरेक्टली इस साइड ले जा रहा हूं, इस साइड, ठीक है, इस साइड एफ को ले जा रहा हूं, तो डेल्टा एफ क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा डेल्टा एफ बराबर, इस वैल्यू को लिखिए क्या, इधर ये वाली वैल्यू एम है प्लस डेल्टा एम है अपॉन में आई है, ठीक, इंटू में वाई इंटू ए है, वाई ए, मैं डायरेक्ट वाई ए लिख दे रहा हूँ, वाई इंटू ए की जगह, इतना क्लियर हुआ सभी को, वाई ए लिख दिया, माइनस करके अब एफ की वैल्यू माइनस कर दो, एफ की वैल्यू क्या थी, एफ की वैल्यू ये वाली एम अपॉन आई इंटू में वाई ए, ये बताइए समझ आया सभी को, यहाँ मैंने एफ की जगह पर ये जो एफ था इस एफ की जगह पर ये वाली वैल्यू रख दी, हाँ इसको इधर ले गया, इधर जाके माइनस हो गया, ठीक, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, डेल्टा एफ बराबर, इसको आई को मैं दोनों के नीचे लिख सकता हूँ, किस किस के, मैं इस बाई ए का, अगर यहाँ ब्रैकेट यूज कर लें तो बाई ए का अंदर मल्टीप्लाई क्या आएगा, एम एम अपॉन आई वाई ए हो गया, और प्लस में फिर डेल्टा एम अपॉन आई वाई ए हो गया, ये बताइए क्लियर है सबको, ये वाई ए हो गया, ठीक है, इसके बाद आगे माइनस में यहाँ क्या लिखा है, एम अपॉन आई वाई ए, इतना बोलिए क्लियर, तो ये माइनस का है ये प्लस का, कैंसिल आउट हो गया, समझ आया यहाँ तक, आगे देखिए अब क्या बचा, डेल्टा एफ बराबर यहाँ बच गया ये वाला डेल्टा एम अपॉन आई इंटू में वाई ए इंटू में वाई ए, यहाँ तक बताइए इतना क्लियर, ये हमने केवल शेडेड एरिया लिया है, अब लिखेंगे हम क्या, टोटल सेक्शन के लिए, लिख लीजिए शियर फोर्स फॉर टोटल सेक्शन, टोटल सेक्शन के लिए जब शियर फोर्स निकालेंगे तो एफ हो जाएगा इधर, एफ बराबर इसका इंटीग्रल करेंगे जीरो, न्यूट्रल एक्सिस से कितनी दूरी पर है, डी वाई टू, तो जीरो से डी वाई टू तक लेंगे इसका इंटीग्रल, डेल्टा एम अपॉन आई इंटू में वाई ए, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर इंटीग्रल, देख लीजिए इसको, यहाँ तक बताइए क्लियर है ना, इतना ये, इतना सभी को समझ आ रहा है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चलिए अब इसका इंटीग्रल कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y दूरी है तो dy कर दीजिए यहाँ पर, y के रिस्पेक्ट में, इसको आप बाहर ले सकते हैं यहाँ से, तो f बराबर आ जाएगा क्या, डेल्टा m अपॉन i बाहर आ गया, बचा क्या, जीरो से dy टू वाई ए इंटू डी वाई, ठीक है, अब ये जो पोर्शन है बाई ए इंटू डी वाई, बाई दूरी है, a फॉर एरिया है, एरिया गुणा दूरी, जैसे बल गुणा दूरी मूवमेंट होता है, वैसे एरिया गुणा दूरी भी क्या होता है, मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ एरिया, तो ये मूवमेंट ऑफ एरिया है इस न्यूट्रल एक्सिस से शेडेड एरिया का, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, एफ बराबर डेल्टा एम अपॉन आई बराबर, इसको हम ए वाई वार बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ए वाई वार, सॉरी बराबर बनी इंटू में, इसके साथ इंटू में ए वाई वार, ये देखो यहाँ तक इतना बोलिए, समझ आया इतना, इतना क्लियर हो गया ये चीज, आई थिंक सो इतना समझ आया होगा सभी को, ठीक है, इसको एक नई इक्वेशन बना लो, इक्वेशन तीन, मतलब ये जो बाई इंटू ए है ना, दूरी क्षेत्रफल गुणा दूरी, तो क्षेत्रफल गुणा दूरी को मूवमेंट कहते हैं, तो यहाँ पर हम शेडेड एरिया का जब मूवमेंट लेंगे न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ से यहाँ तक का, एक तो शेडेड पोर्शन का एरिया गुणा इसके सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी बाई बार है, तो ए बाई बार हमने इसको बोल दिया, यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को, ये इसको नोट कीजिए प्लीज करके, और मैं ये वाला पोर्शन हम मिटा रहा हूँ इधर वाला, ठीक है, हटा दें इसको, चलिए इसको हटाते हैं, ये डेरिवेशन मैं करा रहा हूँ आपको, बाकी आपके सिलेबस में नहीं दिया ये डेरिवेशन, ठीक है, आप लोग फिर भी समझ लें, चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आपको आसान लगेंगी, बाद में तो लास्ट में आपको फॉर्मूला याद ही करना है फिर, चलिए अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, ये तो आप समझ गए, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ए बराबर क्या है, यहाँ पर ए बराबर है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है, शेडेड पोर्शन, पी ओ आर टी आई ओ एन, शेडेड पोर्शन का एरिया है ये,
ठीक है, छायादार क्षेत्रफल या छायादार क्षेत्र का क्षेत्रफल है ए, और ए वाई वर क्या होगा, मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ एरिया, मूवमेंट ऑफ एरिया, मूवमेंट ऑफ एरिया कहाँ से है, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से क्षेत्रफल का आघूर्ण है, न्यूट्रल एक्सिस से क्षेत्रफल का आघूर्ण इसका, यहाँ तक समझ आया। अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना सीयर स्ट्रेस, सीयर स्ट्रेस, तो हम सभी जानते हैं सीयर स्ट्रेस बराबर सीयर फोर्स अपॉन एरिया होगा, सीयर फोर्स अपॉन एरिया, इतना बताइए, चीज़ें क्लियर हो रही हैं यहाँ तक, यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है, समझ गए सभी, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पर देखिए आगे, सीयर स्ट्रेस को हम टाओ से, आपकी बुक में या तो टाओ से नोट कर रखा होगा या फिर क्यू से, किसी भी एक चीज़ से आप इसको दर्शा लीजिएगा, आपकी डिप्लोमा वाली बुक में इसको क्यू से दर्शा रखा है, वैसे स्टैंडर्ड टाओ होता है, अब मैं क्यू यूज कर लूँगा बिकॉज आपको जब रिविजन करेंगे बुक से तो आपको हेल्प होगी इस चीज़ से, तो हम यहाँ सीयर स्ट्रेस को क्यू से दर्शाएंगे, बाकी टाओ से भी दर्शाते हैं, दोनों सिंबल होते हैं इसके। सीयर फोर्स, हम सीयर फोर्स की वैल्यू रखेंगे, जो अभी हमने निकाली है, क्या है सीयर फोर्स की वैल्यू, सीयर फोर्स है डेल्टा एम अपॉन में आई इंटू में ए वाई वार, ठीक, अपॉन में एरिया। अब हमें बीम का एरिया निकालना है, चौड़ाई बीम की कितनी है, बी है, और लंबाई हमने डेल्टा एक्स ली थी, पीछे मिटा दिया मैंने डायग्राम, वहां पर लंबाई डेल्टा एक्स थी, तो मैं लिख सकता हूँ एरिया क्या, बी बी गुणा डेल्टा एक्स, इतना समझ आ रहा है सभी को। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं क्या, क्यू सीयर स्ट्रेस, क्यू क्यू बराबर, यहाँ से कितना ले लेंगे आप, इसको लिख दीजिए, देखो डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एक्स, अलग कर दिए, डी को मैं डेल्टा एक्स भी कह सकता हूँ, डेल्टा और डी की मतलब छोटी लंबाई होती है, इसको भी हम डी बोल सकते हैं, डी एम अपॉन डी एक्स, ठीक, और क्या बच गया, ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं ऊपर बचा, केवल एरिया बचा और वाई बार बचा, और नीचे क्या आ जाएगा, आई भी नीचे आ जाएगा, ये वाला अपॉन में है और बी नीचे है, आई इंटू बी, ये समझ आ रहा है। अब आप सबने ये पढ़ा है बेंडिंग मूवमेंट के परिवर्तन की दर को सीयर फोर्स कहते हैं, बेंडिंग मूवमेंट के परिवर्तन की दर को सीयर फोर्स कहते हैं, तो क्यू बराबर ये हो गया एफ सीयर फोर्स इंटू इधर क्या ए वाई बार अपॉन में आई वी, ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, ये क्या आ गया फॉर्मूला, F लिख दिया इसकी जगह पे हमने, ए वाई बार अपॉन आई बी हमारे पास था, तो Q बराबर आई बी, ये मेन फॉर्मूला है, ये क्या, ये मेन फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। बोलिए इतना समझ आ रहा है सभी को, क्लियर है ये फॉर्मूला, ये सीयर स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया जो आपको याद रखना है, सीयर स्ट्रेस, ठीक है, इसकी वैल्यू चूंकि करके दिखा देना, डी एम अपॉन डी एक्स बेंडिंग मूवमेंट के परिवर्तन की दर सीयर फोर्स के बराबर होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक, इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज करके। अब मैं इस फॉर्मूले के टर्म्स बता दूं, एफ क्या है, ए क्या है, वाई बार, आई बी, सब कुछ क्या क्या है, ये एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। पहले इतना बताइए, ये डेरिवेशन समझ गए ना आप लोग, एक बार और प्लीज करके कोशिश करना देखने की, क्लियर हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है, बट ये फॉर्मूला है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे फॉर्मूले को, जितनी बार इंपॉर्टेंट करना है, क्योंकि पूरे चैप्टर में सिर्फ यही यूज होगा, इसी फॉर्मूले का यूज करना आपको बार बार, है ना, कुछ बुकों में क्यू की जगह टाओ लिखा होगा, कुछ में क्यू लिखा होगा, इतना क्लियर है ना, सभी को समझ आ रहा है। चलिए अब मैं इसको मिटा दूं और एक बार इसके टर्म समझा दूं आपको, ये सब टर्म क्या है। चलिए चलिए मैं इस फॉर्मूले को ऊपर लिख देता हूं और यहां से हम इसके टर्म समझ लेते हैं। तो हमें क्या आया है, सीयर स्ट्रेस, सीयर स्ट्रेस क्यू इक्वल टू एफ ए वाई वार अपॉन आई वी। पहली चीज़ तो आप लोग इस फॉर्मूले को याद कीजिए, कितनी बार याद करेंगे आप इस फॉर्मूले को, पांच बार, कितनी बार, पांच बार, फाइव टाइम्स आपको इसे याद करना है, कितने टाइम इसको याद करना है आपको, फाइव टाइम याद करना है, कितने टाइम, फाइव टाइम, फाइव टाइम, फाइव, फाइव, ठीक है, फाइव, फाइव याद हो जाएगा ना, ट्रिक है इसकी, ये फाइव से आप याद कर सकते हैं इसको, फाइव फाइव, हालांकि लिखा हुआ ऐसे है ये फाइव, ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो फाइव बन जाता है, मतलब हम बोलने में देख रहे हैं उच्चारण करके इसका, तो फाइव जैसा हमें साउंड मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या है फॉर्मूला आपका, ये फाइव सीयर स्ट्रेस क्यू इक्वल टू फाइव, याद हो जाएगा ना सभी को, एफ ए वाई बार अपॉन आई बी, फाइव से याद रखिएगा आप लोग,
इजीली याद कर पाएंगे। क्लियर ना, ट्रिक लिख लीजिए, इसकी ट्रिक क्या बताई है, कितनी बार याद करना है, 5 बार। स्पेलिंग चेंज करके लिखेंगे आप, स्पेलिंग में क्या लिखेंगे आप, हिंदी में लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ ऐसे 5 ऐसे, ठीक है, 5 5 आई बी, याद कर लेंगे सभी लोग इसको, याद हो जाएगा ना, एफ ए वाई बार अपॉन आई बी, बोलिए फिर से 5 टाइम याद कीजिए, एफ ए वाई बार अपॉन आई बी 5, ठीक है। अब यहाँ पर आप बताइए कौन सी चीज़ क्या क्या, तो क्यू तो आपका सीयर स्ट्रेस हो गया, एफ यहाँ क्या होता है, एफ एफ सीयर फोर्स होता है, एफ होता है सीयर फोर्स, कर्तन बल, सीयर फोर्स एट सेक्शन, जो भी आपको काट दे रखी है बीम के, सेक्शन ऑफ बीम कह दीजिएगा या फिर सेक्शन कह सकते हैं आप, इस सेक्शन का, सेक्शन पर कर्तन बल है ये। इसके बाद ए क्या है, ए एरिया ऑफ, यहाँ पर एरिया ओनली शेडेड पोर्शन का होगा, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, पूरे सेक्शन का एरिया नहीं है, ओनली शेडेड पोर्शन का एरिया है, याद रखिएगा इस चीज़ को, शेडेड पोर्शन। एंड क्या, बाई बार, बाई बार क्या है, डायग्राम में देख रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस से और शेडेड पोर्शन के सेंटर की दूरी, न्यूट्रल एक्सिस से शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन, पोर्शन, ठीक है, के सीजी की दूरी, सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी, की दूरी, इंग्लिश में भी कह सकते हैं आप, डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ शेडेड पोर्शन फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ठीक। और क्या रहेगा, आई, आई के बारे में जरूर याद करना प्लीज आप लोग सब, आई को अच्छे से याद कीजिएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, लेकिन किसका मूवमेंट ऑफ इनर्सिया है, इसको इंपोर्टेंट या स्टार बना लीजिएगा आप लोग, बिकॉज बाकी सब कुछ तो शेडेड पोर्शन का ले रहे हैं, लेकिन आई जो हम लेते हैं ये मूवमेंट ऑफ इनर्सिया है। किसका मूवमेंट ऑफ इनर्सिया है, एक तो ये किसका है मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, टोटल सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ टोटल, टी ओ टी ए एल, कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ मैं इसलिए, टोटल क्रॉस सी आर ओ डबल एस, क्रॉस सेक्शन, टोटल क्रॉस सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्सिया है किसके अबाउट, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, इस पूरे सेक्शन का है, ना कि केवल शेडेड एरिया का। देखिए सीयर फोर्स लग रहा है वो भी आपके शेडेड पोर्शन पे लग रहा है, एरिया है वो भी शेडेड पोर्शन का एरिया है, बाई बार है वो भी शेडेड पोर्शन के सेंटर की दूरी है न्यूट्रल एक्सिस से। और अगर मैं बात करूँ बी, बी तो ये चौड़ाई जो जितनी यहाँ पर ली है ना, ये शेडेड पोर्शन की चौड़ाई ली जाएगी, है ना, विथ ऑफ, विथ ऑफ शेडेड पोर्शन, ये चौड़ाई भी किसकी है, छायादार क्षेत्रफल की चौड़ाई है ये, पोर्शन चौड़ाई भी इसकी है, लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया किसका है, टोटल क्रॉस सेक्शन का, पूरे सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्सिया होता है आई। तो ये सभी टर्म आपको समझ आ रहे हैं, ठीक है, ट्रिक आपको समझ आ गई, 5 हो गया, तो ये फॉर्मूला हमारा डेराइव भी हो गया और हमें उम्मीद है याद भी हो गया होगा, 5 एफ ए वाई बार अपॉन आई बी, क्लियर है सभी को ये। अब चलते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स की ओर, जिसमें हम देखेंगे डेरिवेशन रेक्टेंगुलर सेक्शन का, ट्रायंगुलर सेक्शन का एंड सर्कुलर सेक्शन का, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, एंड आपको मैं स्ट्रेस डायग्राम भी बनाकर दिखा दूंगा, सीयर स्ट्रेस डायग्राम, चैप्टर जल्दी ही फिनिश हो जाएगा आपका, उम्मीद है ये फॉर्मूला समझ आया होगा, मेन यही था इसमें, ठीक है। चलिए हटाते हैं इसको और आगे मूव करते हैं अब, चलिए समझते हैं अब सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक है हमारा सीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेक्शंस, यानी विभिन्न अनुप्रस्थ काटों में कर्तन प्रतिबलों का वितरण। कहने का मतलब क्या, यहाँ हम देखेंगे अलग अलग टाइप के सेक्शंस देखेंगे और उन सेक्शन में ये देखेंगे कि सीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, मतलब सीयर स्ट्रेस की वैल्यू कहाँ पर कितनी होगी, कहाँ ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी, कहाँ जीरो होगी, इस सब के बारे में बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। एंड इस टॉपिक में हम अलग अलग टाइप के सेक्शंस देखेंगे, रेक्टेंगुलर सेक्शन, ट्रायंगुलर सेक्शन और सर्कुलर सेक्शन, सभी सेक्शंस के डेरिवेशन भी करेंगे। तो ये सेकंड टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर सब टॉपिक आएंगे, इसको अच्छे से समझेंगे आप, इसके बाद फिर सीधे डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक नोट पॉइंट लिखा जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये जे एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया है, एंड अगर आपके एग्जाम ऑनलाइन हुए तो एमसीक्यूज में यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए, बनेगा ही बनेगा, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर, बहुत आसान सा पॉइंट है, फॉर ऑल शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी सभी प्रकार की क्रॉस सेक्शन के लिए, किसी भी आकृति का कोई भी क्रॉस सेक्शन दे दिया जाए आपको, किसी भी शेप का क्रॉस सेक्शन हो, सभी के लिए सीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज पैराबोलिक। सीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है,
पैराबोलिक होता है, यानी कर्तन प्रतिबलों का जो वितरण होता है उसका डायग्राम कैसे बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, चाहे किसी भी तरह का क्रॉस सेक्शन हो। एंड विच इज जीरो एट टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम पर कितना होगा शियर स्ट्रेस की वैल्यू, जीरो होगी। हमेशा किसी भी सेक्शन के टॉप एंड बॉटम पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होती है। यही चीज हिंदी में लिखा हुआ है, सभी अनुप्रस्थ काटों की आकृतियों के लिए कर्तन प्रतिबल परवलयिक होता है। कैसा होता है, परवलयिक होता है, जो ऊपरी तथा निचले बिंदु पर, कौन कौन से बिंदु पर, ऊपरी बिंदु पर एंड निचले बिंदु पर शून्य होता है, जीरो होता है। ठीक है, समझ आ गया सभी को? अगर यहाँ से क्लियर नहीं हो तो आप डायग्राम से समझ लीजिए। जैसे ये कोई सेक्शन दे दिया, सपोज मैंने अभी के लिए रेक्टेंगुलर बना दिया, आप रेक्टेंगुलर बनाओ, ट्रेंगुलर बनाओ, पैराबोलिक चाहे जैसा बनाओ, ठीक है। मान लो बीच में यहाँ पर ये न्यूट्रल एक्सिस है इसके, ये क्या है यहाँ पर, न्यूट्रल एक्सिस। अगर मैं इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन खींचूंगा तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनेगा, इसका पैराबोलिक बनेगा। पैराबोला कैसा, डी शेप का, इस तरह से ऐसा बनेगा, ये क्या बन गया, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला बन गया। एंड हम शियर स्ट्रेस को क्यू से दर्शाते हैं, या क्यू से दिखा दो आप, या फिर इसको आप टाओ से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप पर भी क्यू की वैल्यू कितनी होगी इस पॉइंट पर, जीरो, एंड बॉटम पर भी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। डायग्राम कैसा बना है, पैराबोलिक बना है। कैसा बन रहा है, ये बन रहा है पैराबोलिक, परवलयिक। ठीक है, पैराबोलिक बन रहा है। समझ आ रहा है सभी को ये बात? चाहे जैसा सेक्शन दे दे आपको, रेक्टेंगुलर दे, ट्रायंगुलर दे, सर्कुलर दे, आई सेक्शन, टी सेक्शन, एच सेक्शन, चाहे जौन सा सेक्शन हो, सभी के लिए डायग्राम पैराबोलिक ही बनेगा। वो अलग बात है, शेप आपको अलग अलग तरह की बन जाएंगी, लेकिन बनेगी पैराबोलिक की। आई सेक्शन की आकृति अलग तरह की देखने में लगेगी, बट होगी पैराबोलिक की। ठीक है ना, आपको सभी सेक्शंस के मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा एक एक करके। फिलहाल आपको इतना समझ आया कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है, जिसकी ऊपर वैल्यू जीरो, नीचे वैल्यू जीरो। और देखो यहाँ जीरो, यहाँ बीच में सबसे ज्यादा है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, क्यू की वैल्यू बीच में मैक्सिमम है यहाँ पर, यहाँ के बाद नीचे आ रहा था, देखो घटती जा रही है, यहाँ कम हुई और कम हुई और कम हुई और कम हुई, नीचे में नीचे आके बिल्कुल जीरो हो गई। ऐसे ऊपर देखो, यहाँ भी घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटते 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 ऊपर जाके बिल्कुल जीरो हो गई। तो टॉप पर बॉटम पर जीरो, बीच में कैसी है, यहाँ पर मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम है। इसका एक और रीजन बताते हैं, कहाँ पर ज़्यादा होती है, कहाँ पर वन कम होती है। हालांकि ये तो सभी जगह चौड़ाई सेम है, तो आपको डेरिवेशन में ये चीज़ क्लियर करेंगे हम। ठीक है, अभी जस्ट इसका डेरिवेशन करने वाले हैं हम, जिसमें ऊपर वैल्यू जीरो और नीचे वैल्यू जीरो कैसे आती है, बीच में वैल्यू मैक्सिमम कैसे आ रही है। यहाँ सबसे ज़्यादा है ना, यहाँ पर क्यू की वैल्यू बीच में सबसे ज़्यादा ये वाली है, यहाँ से अधिक। तो ये वैल्यू बीच में ही क्यों आती है ज़्यादा, इसका भी रीजन देखेंगे, कितनी आती है ये भी देखेंगे, एवरेज शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है वो भी देखेंगे, पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं हम। अब यहाँ पर सेक्शन के अंदर, यानी कि किसी भी सेक्शन में शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। फिलहाल ये बता दीजिए, इतना क्लियर हो गया सभी को, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। टॉप एंड बॉटम पर वैल्यू कैसी कितनी होती है, जीरो होती है। लिख लेंगे सभी, इसको नोट कीजिए। अब इसको रफ करके हम एक एक करके सभी टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। पहले देखेंगे रेक्टेंगुलर के लिए, फिर देखेंगे ट्रायंगुलर का, उसके बाद सर्कुलर। ठीक है, चलिए आप लोग सबसे पहली हेडिंग लिख लीजिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन, फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, यानी आयताकार काट के लिए। चलिए लिखिए हेडिंग, फर्स्ट नंबर लिखेंगे हम किसके लिए, फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन हिंदी में लिख दीजिए आप, आयताकार काट के लिए। आयताकार काट के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर सेक्शन का बनाएंगे डायग्राम। चलिए डायग्राम बना लेते हैं पहले। देखिए यहाँ बना दिया हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन का डायग्राम, ठीक है, ये कोई भी एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, क्लियर। बीच में सपोज यहाँ पर क्या है, इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है। इधर से ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए इसको आगे खींच दो डैश करके इस तरह से, ठीक, बीच में न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पर हम इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देंगे, पहले इसकी डायमेंशन दिखा दें सभी। तो आपको लिखना क्या है, आपको इसके बारे में पहले एक लाइन लिखेंगे, दो लाइन लगभग, चित्र में
चित्र में एक आयताकार काट ABCD दिखाई गई है, ठीक है। फिगर में क्या कर रखा है, हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन ABCD शो कर रखा है, जिसकी चौड़ाई B है। यहाँ से यहाँ तक स्मॉल बी लिख दीजिए, सी से डी तक की चौड़ाई कितनी है, बी है। एंड इसकी गहराई ए से लेकर सी तक, इसकी जो गहराई है कितनी है, स्मॉल डी है। स्मॉल डी कैपिटल डी चाहे जो मान सकते हैं, अभी मैं स्मॉल बी और डी मान रहा हूँ, ठीक है। सही से बनाइएगा आप लोग, ये मान लीजिए कितनी है इसकी गहराई, स्मॉल डी है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। एंड आगे लिखिएगा कि न्यूट्रल एक्सिस से, बीच में क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से बाई दूरी पर इसमें एक शेडेड पोर्शन है, छायादार क्षेत्र है, जिसकी दूरी यहाँ से कितनी है, वाई दूरी है, वाई दूरी। इतना समझ पा रहे हैं। एंड इस शेडेड पोर्शन का जो सेंटर है, ये सेंटर, ये न्यूट्रल एक्सिस से वाई बार दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, वाई बार दूरी पर है। ये चीज़ आपको लिखनी है डायग्राम में, ठीक है। इतना लिख लेंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे देखिए, इसके बाद इतना करने के बाद, इतना कर लिया सबने, हाँ, इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ से आगे, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या, ये अगर टोटल डी था, ये यहाँ से ए से सी तक, तो यहाँ बी से, और ये वाला जो न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ तक कितनी होगी दूरी, ये वाली, ये डी वाई टू होगी, आधा हो गया ना, ये कितना हो गया, डी वाई टू ऊपर, डी वाई टू नीचे, ठीक, डी वाई टू यहाँ हो गई नीचे। ये चीज़ क्लियर है सभी को, इतना बताइए, समझ आ रहा है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब ये तो हो गया डायग्राम, इस डायग्राम के बारे में सभी लिख लेंगे ना, बहुत सिंपल है। लिखिएगा क्या कि चित्र में एक आयताकार काट ABCD दिखाई गई है, जिसकी चौड़ाई बी, गहराई डी है, इसकी न्यूट्रल एक्सिस से बाई दूरी पर एक शेडेड पोर्शन दिखा रखा है, जिसका सेंटर न्यूट्रल एक्सिस से बाई बार दूरी पर है, ठीक। इतना करने के बाद अब आगे देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला। इतना लिख कर फिर लिखिएगा शियर स्ट्रेस, वी नो डैट, हम जानते हैं कि शियर स्ट्रेस, अभी अभी आपके सामने शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला निकाला था, या तो टाओ से दर्शा लो आप, या क्यू से, कर्तन प्रतिबल क्यू बराबर क्या बताया था, एफ ए वाई वार अपॉन आई बी, फाइव ट्रिक बताई थी ना आपको, फाइव। तो फाइव देखिए, इसमें आपको एरिया की वैल्यू, वाई वार की वैल्यू और बी की वैल्यू, ये तीन वैल्यू इसमें रखनी है फॉर्मूले में, आपका आंसर निकल आएगा। यहाँ पर एफ और आई के फॉर्म में आपका फॉर्मूला डेरिवेशन होकर के आता है, तो यहाँ पर हमें एरिया निकालना है। एरिया किसका लेते हैं, आपको बताया था शेडेड पोर्शन का, तो यहाँ लिख दीजिएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का एरिया, इसको हमने ए से दर्शा दिया, ए की वैल्यू। अब बताइए इसका एरिया कितना आएगा, इसकी शेडेड पोर्शन की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, बी है, बी लिख दिया बी, ठीक, इंटू। अब इसकी गहराई बताइए यहाँ से यहाँ तक की, इसको नाम दे दो सपोज, ये ई एफ है, ठीक है, तो बी से एफ तक की गहराई कितनी होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक डी है, ये डी वाई टू है, इस डी वाई टू में से अगर आप ये वाला बाई घटा देंगे तो बी एफ की वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो डी वाई टू माइनस बाई, ये क्लियर हुआ। तो ये आगे चौड़ाई, ये है इसकी लंबाई बी और ये चौड़ाई, ठीक है, या फिर कह दो ये चौड़ाई है बी और ये ऊंचाई है डी वाई टू माइनस बाई, तो बी इंटू ये वाला एरिया आ गया इसका, समझ गए ना, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है रेक्टेंगल का एरिया, तो ये आ गया निकल के, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगली चीज़ बाई बार निकालेंगे, बाई बार क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से शेडेड पोर्शन के सेंटर की दूरी, न्यूट्रल एक्सिस से दूरी है ये, डिस्टेंस ऑफ सीजी मतलब सेंटर की दूरी, किसके सेंटर की, ऑफ शेडेड पोर्शन के सेंटर की दूरी, शेडेड पोर्शन और शेडेड पोर्शन की दूरी कहाँ से है, ये दूरी है फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, बाई वार। अब वाई वार की वैल्यू बताइए आप कितनी होगी, बाई वार की वैल्यू कितनी होगी, देखो बी एफ की वैल्यू हमने निकाली थी, बी एफ कितना आया था, डी वाई टू माइनस बाई आया था, बी एफ आया था कितना, डी वाई टू माइनस बाई बी एफ, ठीक है। तो अगर हम बी एफ का आधा करें तो हमें सेंटर से यहाँ तक की दूरी मिलेगी, बी एफ का आधा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो हमने बी एफ का आधा कर दिया, ये दूरी मिल गई। अब प्लस में, अब यहाँ से नीचे न्यूट्रल एक्सिस तक जाना, ये बाई और जोड़ दीजिए, ये बाई जोड़ दिया, ये बोलिए क्लियर हुआ, ये सभी को समझ आया। यहाँ से आगे देखिए वाई बार कितना आएगा निकल के, तो यहाँ से आगे वाई बार इक्वल टू अपॉन वन कर दीजिए इस बाई के नीचे अपॉन वन कर दीजिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा दो, ठीक। इधर क्या है, डी वाई टू माइनस बाई, प्लस में इसका इसमें गुणा करेंगे, टू बाई कितना आ गया वाई बार, यहाँ से वाई बार आ गया डी वाई टू, और प्लस में माइनस टू बाई प्लस टू बाई, केवल प्लस का वाई बचेगा, प्लस का वाई बच गया अपॉन में टू, ये चीज़ क्लियर हुई सभी को, ये बाई बार आ गया।
और क्या रहेगा बी, बी मतलब क्या होता है शेडेड पोर्शन की चौड़ाई, विथ ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन की चौड़ाई कैपिटल वी, ये किसके बराबर है स्मॉल बी, जितनी चौड़ाई यहां पर है इतनी चौड़ाई ई और एफ पर है, सेम चौड़ाई है स्मॉल बी, ठीक है। अब इस किस किस की वैल्यू, बाई वार की वैल्यू, बी की वैल्यू और एरिया की वैल्यू, इनको पुट कर दो फॉर्मूले में। जब इन तीनों वैल्यू को फॉर्मूले में लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सीयर स्ट्रेस क्यू बराबर, सीयर स्ट्रेस क्यू बराबर एफ तो सेम रहेगा, एफ अपॉन आई तो बाहर सेम लिख दीजिए इस तरह से, ब्रैकेट के अंदर इन तीनों वैल्यू को रखिए, एरिया की वैल्यू स्मॉल बी इंटू में, स्मॉल बी इंटू में ब्रैकेट में डी वाई टू माइनस वाई, ठीक, ये एरिया की वैल्यू रख दी हमने। इसके बाद इंटू कीजिए एरिया के बाद क्या, वाई वार, वाई वार की वैल्यू कितनी है ये वाली, ब्रैकेट में डी वाई टू प्लस वाई अपॉन में टू है इसके नीचे, ठीक है, इतना कर दिया। और अपॉन में क्या है बी है, और बी की वैल्यू यहाँ पर हमारी स्मॉल बी है, स्मॉल बी रख दी। यहाँ तक बताइए क्लियर हुआ सभी को, इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से क्यू क्या आ गया निकल के, क्यू बराबर बाहर तो एफ अपॉन आई है, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या बचा, ये बी से तो बी कैंसिल हो जाएगा, ये बी और बी कट गया, दो आ जाएगा नीचे, और ये बन रहा है फॉर्मूला देख लो, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस दूसरे में प्लस, स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ये। तो यहाँ जो टू नीचे आएगा उस टू को मैं बाहर लिख दे रहा हूँ इधर, एफ अपॉन टू आई हो गया, ये चीज़ क्लियर है सभी को, सभी को समझ आ रहा है इतना, ये जो टू आ रहा था नीचे उसको मैंने बाहर ले लिया, यहाँ केवल ये बचा इसका फॉर्मूला, क्या बचेगा डी का स्क्वायर बाई टू, टू का स्क्वायर फोर होता है, माइनस बाई का स्क्वायर, मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, तो ये हमारा क्यू का फॉर्मूला निकल के आ गया। यहाँ तक बताइए सभी को समझ आ रहा है ये क्यू का फॉर्मूला हो गया, इसको सपोज आप इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं, बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को, आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से इसको नोट कर लीजिए एक बार फॉर्मूले को, ये मेन फॉर्मूला आ गया किसी भी रेक्टेंगुलर सेक्शन का, अगर हमें क्यू निकालना हो जिसके मैं एफ की वैल्यू, आई की वैल्यू, डी वाई ये सब पता हो तो हम आंसर बता सकते हैं आराम से, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये निकल के आ गया, इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद इसको रफ करके आगे देखिए, अब इसी के आगे देखिए, अभी चल ही रहा है डेरिवेशन, ये अभी सिर्फ क्यू का फॉर्मूला निकल के आया आपका, चलिए हटाते हैं इसको, इसको हटाते हैं एंड आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे सभी चीज़ों को। हमने अभी क्या किया है, हमने सिर्फ Q का ये फॉर्मूला लगा करके और इससे Q का रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए फॉर्मूला निकाल दिया, F अपॉन टू आई और ब्रैकेट के अंदर डी स्क्वायर बाई फोर माइनस बाई स्क्वायर, हमने ये फॉर्मूला निकाल दिया, ठीक है, इतना। इसको सबको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से। अब देखिए, अब देखेंगे हम टॉप एंड बॉटम पर Q की वैल्यू कितनी होगी, ये तो हमें समझ में आ गया, डायग्राम हमारा पैराबोलिक बनेगा क्योंकि टू पाव टू दो घात वाली इक्वेशन हमें मिल रही है यहाँ पर, अब यहाँ पर पैराबोला बना दीजिए, पहले सीधी लाइन खींच दी आपने, ये सीधी खींचेगा इसको, सीधी लाइन और यहाँ बना दिया डी शेप का बनेगा, पैराबोला बन गया, ठीक, इतना तो कर लेंगे सभी, ठीक। यहाँ पर अब हम ये देखेंगे इस पॉइंट पर ऊपर टॉप पर और बॉटम पर क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर यहाँ पर, हालांकि हम बता चुके हैं ऑलरेडी कैसा भी सेक्शन ऊपर नीचे जीरो होती है, अब देखेंगे ऊपर नीचे जीरो आएगी तो कैसे आएगी, तो यहाँ लिख लीजिए एक एक करके करेंगे सॉल्व। सबसे पहले पॉइंट वाइज करिए आप, सबसे पहले लिखेंगे सीयर स्ट्रेस, सीयर स्ट्रेस एट टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम पर सीयर स्ट्रेस की वैल्यू, अगर हम टॉप पर निकालेंगे सीयर स्ट्रेस की वैल्यू तो बाई यहां से यहां तक था, टॉप पर जाकर के बाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डी बाई टू के, तो टॉप के लिए यहां लिख देना आप क्या, क्यू टॉप, फॉर क्यू टॉप, फॉर क्यू टॉप, क्यू टॉप के लिए जो वाई है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी वाई टू के बराबर, ये सपोज इक्वेशन फर्स्ट है तो इसको पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर रखिए बाई की जगह पर कितना, डी वाई टू, तो क्या आएगा आपका क्यू टॉप इक्वल टू आ जाएगा निकल के, एफ अपॉन टू आई बाहर है, ब्रैकेट में देखिए ब्रैकेट में कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई फोर माइनस वाई के प्लेस में कितना रखेंगे आप, डी वाई टू इसका स्क्वायर, ठीक है, जब डी वाई टू के स्क्वायर को आप खोलेंगे तो डी स्क्वायर अपॉन फोर आएगा, डी स्क्वायर अपॉन फोर माइनस डी स्क्वायर अपॉन फोर कट के जीरो हो गया, जीरो का मल्टीप्लाई किसी में भी करो पूरा जीरो हो जाता है, क्लियर हुआ, टॉप पर कितना आ गया वैल्यू, जीरो आ गई। आगे लिखेंगे फॉर क्यू बॉटम, आसान है समझते चलिए और इंटरेस्टिंग भी है काफ़ी, आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, क्यू बॉटम, अब हम सफिक्स में लिखना बॉटम नीचे, क्यू बॉटम के लिए क्या करेंगे हम, वाई की वैल्यू कितनी रखेंगे,
बॉटम नीचे तक आना तब भी डी बाई टू है वैल्यू, लेकिन नेगेटिव लेंगे इस बार नीचे आ रहा है, इसलिए वाई बराबर माइनस डी बाई टू। पुट कीजिए इसको भी इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, सब कुछ इसी में रखेंगे आप। तो यहाँ से क्यू बॉटम देखिए कितना आएगा, क्यू बॉटम बराबर एफ अपॉन टू आई तो बाहर है, एफ अपॉन टू आई बाहर रखा, ब्रैकेट के अंदर देखो डी स्क्वायर बाई फोर था, डी स्क्वायर बाई फोर माइनस y के प्लेस पर वैल्यू माइनस का डी वाई टू, इसका किया स्क्वायर, अब माइनस का अगर स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाता है, तो क्या आएगा डी स्क्वायर बाई फोर, और यहाँ भी डी स्क्वायर बाई फोर कट के ये भी क्या आएगा जीरो, तो बॉटम पर भी क्या होगी वैल्यू जीरो। यही आपको नोट पॉइंट में लिखवाया गया था, टॉप पर एंड बॉटम पर q की वैल्यू जीरो होती है, समझ गए। अब बात करेंगे q की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी और कितनी होगी, इसको हटा दें, नोट कीजिए प्लीज है, चलिए हटाते हैं इसको, इसी तरह समझते चलिए निकालते चलिए, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और अगर कन्वेंशनल हुआ तो पूरा डेरिवेशन। टॉप एंड बॉटम पर हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे क्या मैक्सिमम वैल्यू, पहला लोकेशन देखेंगे कहाँ पर होगा क्यू मैक्स, दूसरा पॉइंट देखेंगे हम क्या लोकेशन, लोकेशन ऑफ क्यू मैक्स एंड वैल्यू ऑफ क्यू मैक्स, एंड वैल्यू ऑफ क्यू मैक्स, क्यू मैक्स की वैल्यू भी देखेंगे, क्यू मैक्स की लोकेशन भी देखेंगे कहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए करें स्टार्ट, लोकेशन निकालेंगे तो हम सबसे पहले जब भी कभी किसी भी चीज़ की वैल्यू मैक्सिमम बताते हैं, तो आप सबने मैथमेटिक्स में मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर पढ़ा होगा, उच्चिष्ट एंड निम्निष्ट, तो जब हम उच्चतम वैल्यू बताते हैं किसी के तो उसका डिफरेंशियल करके उसको जीरो के बराबर रखते हैं, सभी ने पढ़ा है ना, जैसे वाई बराबर कोई फंक्शन अगर एफ एक्स दे रखा है और हमें बताना है इसकी उच्चतम वैल्यू, उच्चिष्ट बताना, तो डी वाई पॉन डी एक्स निकाल कर जीरो के बराबर रखते हैं, ये आप सबने पढ़ा है। हम क्या करेंगे यहाँ भी हम यही काम करने वाले हैं, डिफरेंशियल करके क्यू का उसको जीरो के बराबर रखेंगे, ठीक है, यहाँ लिख देना फॉर क्यू मैक्स, फॉर क्यू मैक्स, क्यू मैक्स के लिए डी क्यू अपॉन डी किसके बाई है फंक्शन, तो बाई के रिस्पेक्ट में इसको जीरो के बराबर रखेंगे। तो पहले डिफरेंशियल कीजिए, लिख दीजिएगा यहाँ पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू बाई ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल डी क्यू अपॉन डी वाई बराबर एफ अपॉन टू आई, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, बाई को छोड़कर बाकी सभी कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट बाहर रहेगा ये वाला, अंदर का जब करेंगे तो ये कांस्टेंट था इसका, तो हो गया जीरो, कितना हो गया इसका डिफरेंशियल जीरो, क्योंकि बाहर वाले का क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई बाई के साथ होगा इसलिए कांस्टेंट रहेगा ये, ठीक, इसका जीरो, माइनस बाई स्क्वायर का डिफरेंशियल टू बाई होगा, आपको डिफरेंशियल करना आता होगा, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल हो गया। अब चूंकि हमें क्या पता है, हमें पता है डी यू अपॉन डी क्यू अपॉन डी वाई बराबर जीरो, तो इसको जीरो रखेंगे, जीरो रख दिया, बराबर क्या बचा एफ अपॉन, ये माइनस बाहर ले लो, माइनस एफ अपॉन आई इंटू में वाई, ठीक है, ये बच गया। आप इसको इस साइड ले जाएंगे तो जीरो में पहुंच गया, ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा, इधर जाके जीरो हो जाएगा पूरा, तो बाई बराबर क्या आ गया जीरो, तो बाई बराबर जीरो पर हमारा क्यू मैक्सिमम है, बाई क्यू की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, बाई बराबर जीरो पर, तो लिख देना यहाँ पर क्या क्यू या सीयर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस, मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस, सीयर स्ट्रेस वाई बराबर जीरो पर है, मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस इज एट वाई इक्वल टू जीरो, वाई बराबर जीरो पर है, और वाई बराबर जीरो कहाँ पर है, वाई बराबर जीरो कहाँ पर है, वाई को जब ऊपर ले गए तो डी वाई टू यहाँ तक था, वाई को नीचे लाएंगे यहाँ पर तो न्यूट्रल एक्सिस पर ही तो वाई जीरो होगा, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस पर जीरो होगा, अतः ये लिख देना क्या, अतः क्यू मैक्स एट न्यूट्रल एक्सिस, क्यू मैक्स कहाँ पर होगा, न्यूट्रल एक्सिस पर होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर होगी क्यू की, क्यू मैक्सिमम यहाँ पर होगा, ठीक है, समझ आ रहा सभी को ये। अब ये क्यू मैक्सिमम होगा कितना, ये कैसे बताएंगे, ये बताने के लिए आपको क्या करना होगा, इस आई की वैल्यू पुट कर दो, क्यू में आई की वैल्यू पुट कर दो, आई की जगह पर मैं इसको मिटा रहा हूँ, हमने यहाँ से ये पता कर लिया कि हमारा क्यू मैक्सिमम कहाँ होगा, तो हमें पता चल गया आई बराबर जीरो पर होगा, ठीक है। चलिए अब इसको हटाते हैं और आगे देखते हैं क्यू की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, मतलब कितनी होगी, क्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में आई की वैल्यू पुट कर दो, आयताकार काट का आपको आई पता होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से, समीकरण एक से क्यू, यहाँ मैक्स लिखेंगे, क्यू मैक्स बराबर क्या आएगा, सबसे पहले तो बाई को जीरो रखेंगे, चाहे तो आप लिख भी दीजिएगा इसको यहाँ पर, ठीक है, हमने पता कर लिया अभी, तो लिख भी दीजिएगा फॉर क्यू मैक्स, क्यू मैक्स के लिए बाई बराबर जीरो आया था ना, तो बाई को जीरो पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में,
पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जब बाई को जीरो रखेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको क्यू मैक्सिमम बराबर एफ अपॉन टू आई, ब्रैकेट के अंदर ये तो जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा डी स्क्वायर बाई फोर माइनस, इसको जीरो रखा डेट मीन्स यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी क्यू मैक्सिमम इक्वल टू निकल के आ गया एफ डी स्क्वायर अपॉन में चार दूनी आठ एट आई, ठीक है एट आई ये फॉर्मूला आ गया। एंड अगर यहाँ आप आई की वैल्यू रख देंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा ये ओवरऑल वैल्यू आएगी कितनी, ठीक है अगेन देखिए आगे अगेन अगेन नहीं नाउ फिर से ना आप देखो यहाँ आगे नाउ, अब आगे देखो अब क्या होगा क्यू मैक्स बराबर एफ को एफ रखिए यहाँ डी स्क्वायर को डी स्क्वायर रहने दीजिए अपॉन एट को एट रहने दीजिए, आई की वैल्यू आयताकार काट का आई क्या होता है आपको मैंने फॉर्मूले में बताया था आई यहाँ पर हमारा टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया का टोटल क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो टोटल क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बी चौड़ाई इंटू गहराई का पावर थ्री अपॉन बारह, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है ना यही होता है फॉर्मूला। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए इस बारह ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर तो क्या आ जाएगा निकल गई है एफ इंटू डी स्क्वायर बारह अपॉन में ये एट बी डी की पावर थ्री है और ये बारह पहुंच गया इंटू में ऊपर, यहाँ तक बोलिए क्लियर हुआ सभी को, इसको काट लीजिए काटने के बाद क्या बचेगा ये ऊपर बचा एफ बचा सिर्फ, देखिए पहले तो इसको चार से काटिए चार से ये दो बार ये चार से तीन बार तो ऊपर तो क्या थ्री बचा और एफ बचा, नीचे कितना बचेगा टू बचा और केवल बी बचेगा, बी क्यों बचेगा बिकॉज बी और डी बचेगा, बी और डी क्यों बचेगा क्योंकि इस डी स्क्वायर से ये डी स्क्वायर से पावर खत्म हो जाएगी तो थ्री एफ अपॉन टू बी डी बचा, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्यू मैक्सिमम बराबर थ्री अपॉन टू को 1.5 कह सकते हैं 1.5 और एफ अपॉन बी डी, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं क्या इम्प्लाइज डेट करके लिख दीजिएगा क्यू मैक्स बराबर 1.5 इंटू ये वैल्यू किसकी है फोर्स अपॉन बी इंटू डी, एरिया होगा इसका चौड़ाई बी है गहराई डी है तो सेक्शन का एरिया आ गया, सेक्शन का एरिया मतलब इसमें फोर्स सीयर फोर्स अपॉन टोटल सेक्शन का एरिया, ये सीयर स्ट्रेस है एवरेज सीयर स्ट्रेस कहते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं ये जो वैल्यू आई है इसको एवरेज सीयर स्ट्रेस बोलते हैं क्यू एवरेज, इसको क्यू एवरेज बोलते हैं डैट मीन्स क्यू मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी क्यू एवरेज का डेढ़ गुना होगी, यानी कि यहाँ पर जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ये 1.5 गुना होती है क्यू एवरेज के, ठीक है क्यू एवरेज का डेढ़ गुना आता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, किसी भी रेक्टेंगुलर सेक्शन में जो हमारा मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस होता है वो कहाँ पर होता है न्यूट्रल एक्सिस पर होता है, कितना होता है एवरेज का डेढ़ गुना होता है, फॉर्मूले की फॉर्म में पूछे तो याद रखिएगा एफ डी स्क्वायर अपॉन एट आई होता है या फिर थ्री एफ अपॉन टू बी डी होता है, कैसे भी याद कर लीजिएगा आप, और एफ अपॉन बी डी यहाँ पर क्यू एवरेज होता है, क्यू एवरेज क्या होता है आपका क्यू एवरेज बराबर एफ अपॉन बी डी होता है। अब ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है डेरिवेशन, पूरी तरह से कंप्लीट, इसमें कुछ भी नहीं बचा, ठीक है उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। अब आपको इसमें याद क्या रखना था फॉर्मूला, कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ ये फॉर्मूला आपका मेन था जिससे डेरिवेशन किया है क्यू बराबर एफ ए वाई बार अपॉन आई बी, सिर्फ इसको याद कीजिएगा ये सब ऑटोमेटिक निकल आएगा, उसके अलावा प्लीज करके आपसे रिक्वेस्ट है डायग्राम याद कर लीजिएगा, ऊपर क्यू की वैल्यू जीरो नीचे क्यू की वैल्यू जीरो, न्यूट्रल एक्सिस पर क्यू की वैल्यू मैक्सिमम होती है जो कि 1.5 होती है क्यू एवरेज के, एक इसको याद कर लीजिएगा अगर आपके अंदर और ज़्यादा कैपेसिटी है, अब इसके साथ साथ ये भी याद कर सकते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्यू कितना होता है मैक्सिमम का फॉर्मूला याद कर सकते हैं एफ डी स्क्वायर अपॉन एट आई का, ठीक है बाकी डेढ़ गुना आपको बताई दिया, बाकी मेरे हिसाब से सिर्फ इतना याद कीजिएगा, ठीक है सिर्फ इतना, बाकी ये सब डेरिवेशन का पार्ट है, इससे ही हम सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसी से करेंगे, यही मेन फॉर्मूला है फाइव वाला, ठीक है और ये डायग्राम रखना याद, हटा दें इसको, क्लियर हुआ सभी को, चलिए थम्स अप कर दीजिए एक बार क्लियर हो गया तो। अब चलते हैं ट्रायंगुलर सेक्शन की ओर, इसको रफ करते हैं और देखते हैं अगला सेक्शन, चलिए अब देखते हैं ट्रायंगुलर सेक्शन, फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन मतलब त्रिभुजाकार काट के लिए शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक तो सबसे पहले ट्रायंगुलर सेक्शन बना लेते हैं एक, सपोज हमने यहाँ बना दिया डायग्राम ट्रायंगल का, ठीक है सही से बनाइएगा आप लोग साफ साफ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएँ, ठीक ये बना दिया हमने कोई ट्रायंगल, स्केल से खींचना सीधा, ठीक है हम फ्री हैंड खींच रहे हैं, यस यहाँ भी ये ट्रायंगल बन गया कोई भी, इसकी चौड़ाई सपोज यहाँ आपने मान ली कैपिटल बी है, यहाँ कैपिटल बी मानेंगे आप, ठीक स्मॉल बी ना मानने का कुछ रीजन है बताएंगे क्यों, इसका आधार आपने क्या माना कैपिटल बी मान लिया एंड इसकी जो ऊंचाई है यहाँ पर टॉप सरफेस है इसका तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ इसकी हाइट,
ठीक, यहाँ से यहाँ तक या थोड़ा और उस साइड दिखा दो, दिख रहा है यहाँ तक सभी को? यहाँ दिखा देंगे हम, ये जो इसकी हाइट है मान ली आपने एच है, स्मॉल एच दिखा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ये होगी इसकी हाइट क्या एच, यहाँ तक सभी को क्लियर है? एंड आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो इसकी न्यूट्रल एक्सिस होती है सेंटर पर, वो सेंटर कहाँ होता है इसका, यहाँ नीचे से बॉटम से यहाँ तक होता है एच बाई थ्री, आप सबको पता होगा इतना एच बाई थ्री पर होता है, क्लियर ना? तो ऊपर कितना बचा ये, इसको इधर ले जाओ डैश डैश करके, यहाँ ये कितना बचेगा यहाँ से यहाँ तक, ये बच गया यहाँ पर हमारा टू एच बाई थ्री, ये भी आप सबको पता होगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है चीज़ें, समझते चलिएगा आराम से, इजी पोर्शन है अभी। अब हमने क्या किया, सेंटर से यहाँ से इधर को हमने क्या मान लिया, एक ट्रेंगुलर सेक्शन ही सेडेड पोर्शन मान लिया, ट्रेंगल में एक सेडेड पोर्शन मान लिया, वाला पूरा ट्रेंगल ही मान लिया हमने, कैसा, यहाँ से कुछ दूरी पर, लेकिन हम यहाँ पर दूरी यहाँ से ना दिखा के मान लेंगे इसके टॉप से, सपोज ये ए बी सी ट्रेंगल था कोई भी, ए बी सी या कुछ और नाम दे देना प्लीज़, इसको पी क्यू आर बोल दो आप, क्योंकि ए बी सी यहाँ भी आ रहे हैं आपके पॉइंट ए, तो इसको मैं पी क्यू आर बोल दे रहा हूँ, पी क्यू आर, ये नाम ही देना है, कुछ भी दे दीजिए आप, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? पी क्यू आर दे दिया, इसको आप कुछ और कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ई एफ कह दीजिए, ई एफ कह दिया आपने, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आपने मान लिया, जो छोटा वाला ट्रेंगल बन रहा है ना, ये वाला ट्रेंगल, ये मान लिया आपने इसकी चौड़ाई स्मॉल बी है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है इसकी, स्मॉल बी है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपने मान लिया छोटा जो ट्रेंगल था ये, या आप ये कहिएगा क्या, टॉप से और बाई दूरी पर, यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ तक की दूरी वो आपने ऊपर से मान ली है दूरी, ऊपर से यहाँ से यहाँ तक बाई दूरी है, ये दूरी आपने बाई मान ली, ऊपर से बाई दूरी पर है, इतना समझ पा रहे हैं सभी? एंड इसका जो सेंटर है, सेंटर ये वाला, जैसा कि हम सभी जानते हैं सेंटर हमारा नीचे से बाई बार दूरी पर होता है न्यूट्रल एक्सिस से, तो यहाँ भी न्यूट्रल एक्सिस से बाई बार दूरी पर होगा, प्लीज़ करके ध्यान से बनाइएगा ट्रेंगल का डायग्राम, शायद आपकी बुक में भी नहीं दे रखा है ये, बट मैं करा रहा हूँ आपको ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो हमारी, कोई कैसी भी कन्फ्यूजन ना बचे, ये बाई बार हो गया, ये समझ आ रहा है? बाई बार हमेशा ही आपको न्यूट्रल एक्सिस से और जो आपने सेडेड पोर्शन लिया है ना, सेडेड पोर्शन के सेंटर तक की डिस्टेंस होती है, सेडेड पोर्शन के सेंटर तक, ये न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ से, सेडेड पोर्शन का सेंटर यहाँ था, यहाँ तक की दूरी बाई बार, ठीक है? ये बताइए, इतना सभी को समझ आ रहा है? अब सुनिएगा ध्यान से डायग्राम के बारे में आपको क्या लिखना है इसमें, थ्योरी पोर्शन, थ्योरी पोर्शन आप लिखेंगे, समझ गए सभी लोग? थ्योरी पोर्शन लिखेंगे, चित्र में एक त्रिभुजाकार काट पी क्यू आर दिखाई गई है, ठीक है, जिसकी जिसका आधार कैपिटल बी है एंड ऊंचाई स्मॉल एच है, आप कैपिटल एच भी ले सकते हैं, आपने यहाँ पर कैपिटल बी लिया तो यहाँ कैपिटल एच भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल एच भी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कैपिटल बी मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि ऊपर स्मॉल बी यूज करेंगे हम, आयत में तो ऊपर नीचे दोनों जगह बराबर चौड़ाई थी, इसलिए मैं नीचे स्मॉल बी लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ, समझ गए इतना? चित्र में एक त्रिभुजाकार काट पी क्यू आर दिखाई गई है जिसका आधार बी तथा ऊंचाई एच है, ठीक, आगे इसके शीर्ष पी से बाई दूरी पर एक शेडेड पोर्शन माना गया है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई स्मॉल बी है, इतना लिखने के बाद आपको बाकी और कुछ नहीं लिखना है, बाकी ये डायग्राम आप बनाएंगे। यहाँ पर एक और चीज़ आप कंसीडर कर लीजिए, समझ लीजिए एक चीज़ और क्या, कि इसका सेंटर, ये छोटा वाला त्रिभुज जो बन रहा है, इसका सेंटर यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी होगी, वाली है ये हाइट कितनी होगी बताइए, अगर आप इस टोटल हाइट आपने बाई मानी है, शीर्ष से यहाँ तक की बाई है, तो ये बाई बट्टे तीन पर होगा, इसका सेंटर क्या होगा, बाई अपॉन थ्री पर होगा ना, होगा बाई अपॉन थ्री, ये भी यहाँ कंसिडर कीजिएगा। एंड जो ऊपर वाली ये दूरी बची है, ये वाली दूरी कहाँ से, पी से लेके और यहाँ तक की सेंटर तक की है, ये दूरी 2y/3 बचेगी, 2y/3, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना, यहाँ तक की दूरी, इनको प्लीज़ डायग्राम को जरूर सही से दिखाइएगा, बहुत सारे पॉइंट इसमें हो गए हैं, उम्मीद है मैं क्लियर आपको समझा पाया हूँ इन चीज़ों को, ये चीज़ें आप लोगों को आसानी से समझ में आई होंगी, ठीक। चलिए अब मैं यहाँ पर एक लाइन इधर को खींच दे रहा हूँ, जिससे कि मैं यहाँ पर इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दिखा पाऊँ, यहाँ पर मैं इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दिखा पाऊंगा, तो मैं यहाँ डायग्राम बना दे रहा हूँ, डी जैसा बनेगा, पैराबोला बनता है ऑलवेज टाइम, तो यहाँ पर भी पैराबोला ही बनेगा, यहाँ इस तरह से पैराबोला बनेगा, ठीक, यहाँ पर इस तरह से बनेगा, सही बना है। तो अब हमें ये देख के तो साफ साफ पता चल गया होगा कि इस बार मैक्सिमम वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस पे तो नहीं होने की, यहाँ कहीं होगी मैक्सिमम वैल्यू, यहीं तो दिख रही है हमें, यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ है, सबसे ज़्यादा वैल्यू बिल्कुल बीच में मिल रही है, यहाँ पर डायग्राम को देखने से हमें ऐसा लग रहा है, बाकी हम निकाल के देखेंगे क्यों हमारा कहाँ पर आएगा, ये वैल्यू कितनी होगी नीचे से या ऊपर से, सब पता चलने वाला है इसमें हमें, क्लियर है आपको सबको ये डायग्राम? चलिए अब शुरू करते हैं अपने डेरिवेशन की ओर मूव करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसे लिखिए, शियर स्ट्रेस, मेन फॉर्मूला शियर स्ट्रेस का,
शियर स्ट्रेस क्यू बराबर 5 एफ ए वाई बार अपॉन आई बी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को? बहुत बढ़िया। अब चलिए एक एक करके चीज़ों को क्लियर करते हैं। एफ और आई के रूप में फॉर्मूला आएगा ही, हमें ए निकालना है वाई बार और बी निकालना है। ए हमारा क्या होता है? शेडेड पोर्शन का एरिया। लिखिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का एरिया कैपिटल ए बराबर क्या आएगा यहाँ से? कैपिटल ए की वैल्यू, शेडेड पोर्शन ये छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगा, तो 1/2 छोटे वाले त्रिभुज का आधार बी है और ऊंचाई इसकी बाई है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, निकल गया इतना। इसके बाद बाई बार, बाई बार क्या होता है? न्यूट्रल एक्सिस से और इसकी शेडेड पोर्शन के सेंटर की दूरी, तो डिस्टेंस ऑफ सी जी, डिस्टेंस ऑफ सी जी यानी सी जी की डिस्टेंस, किसके सी जी की? ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन, और कहाँ से? फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, न्यूट्रल एक्सिस से छायांकित भाग के गुरुत्व केंद्र की दूरी, जिसे हम कहते हैं वाई वार। अब इस वाई वार की वैल्यू देखिए क्या आएगी, वाई वार की वैल्यू इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। वाई वार हमारा क्या है? यहाँ से यहाँ तक है वाई वार, यहाँ से यहाँ तक वाई वार है। तो क्या हमारी वैल्यू, हमें ये पता है यहाँ से ऊपर तक 2h/3 है, इस 2h/3 में सर ये सेंटर तक की जो डिस्टेंस है 2/3, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा वाई वार मिल जाएगा। बोलिए यस और नो, बोलिए यस और नो, क्लियर ना? क्या क्या इस यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2h/3। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ यहाँ से, इसमें से मैं सेंटर तक की दूरी चाहिए ना, ये वाली, ये ऊपर से 2/3 माइनस कर दूँ मैं 2/3, तो क्या मुझे जो वैल्यू चाहिए वो मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी वाई बार की वैल्यू। वाई बार ये है और यहाँ से ऊपर तक हमारा ये था, तो इसमें से ये वाली दूरी घटा दी हमने तो मिल गया वाई बार। ये बताइए क्लियर है इतना? समझ आ रहा है सभी को इतना? तो यहाँ से वाई बार क्या हो गया, लिखिए यहाँ से लाइन खींच लीजिए इस तरह से, एक वाई बार, वाई बार बराबर इसमें से 2/3 आप कॉमन ले सकते हैं, 2/3 क्या मिल गया? एच माइनस वाई। ठीक है, ये बाई बार हो गया। अब क्या रह गया? अब बी और रह गया। बी यहाँ पर विथ ऑफ शेडेड पोर्शन होता है, विथ ऑफ शेडेड पोर्शन, मैं बिल्कुल इजी करके बता रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा आसान भाषा में नहीं बता सकता आपको कोई, बहुत सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए कैपिटल बी की वैल्यू, यहाँ पर शेडेड पोर्शन की चौड़ाई ये वाली है, कैपिटल बी बराबर स्मॉल बी है यहाँ पर। ठीक है, स्मॉल बी, क्लियर हुआ? सारी वैल्यूज को इसमें पुट कीजिए, जो हमारा मेन फॉर्मूला है ये वाला, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू को पुट कीजिए। तो देखिए क्या आएगा, शियर स्ट्रेस क्यू बराबर, थोड़ा इधर से लिखते हैं, इसको कंप्लीट कर लें फिर इंक भर लेंगे। शियर स्ट्रेस क्यू बराबर एफ अपॉन आई, तो बाहर रहेगा, ब्रैकेट लगा के बाहर लिख दीजिए एफ अपॉन आई। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आएगा नहीं, मैं नीचे से लिख रहा हूँ इसको। ठीक, नीचे से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से इसे ऊपर लिखिए, थोड़ा जगह भी देख के चलनी पड़ती है ना। शियर स्ट्रेस, तो यहाँ से आ गया Q बराबर F अपॉन आई, तो बाहर ले लिया हमने इस तरह से, बाकी सभी वैल्यूज को ब्रैकेट लगा के बड़ा सा इसमें रखेंगे। एरिया की वैल्यू, एरिया कितना रहेगा? 1/2 V into Y। ठीक, इसके बाद एरिया के बाद बाई बार की वैल्यू, इंटू लगा के बाई बार लिखिए, बाई बार की वैल्यू ये है 2/3 एंड ब्रैकेट में H माइनस Y। ठीक, एच माइनस वाई अपॉन में जो हमारा बी है, ये बी आई तो बाहर ले लिया, तो बी की वैल्यू स्मॉल बी है, ये स्मॉल बी यहाँ रख दिया। ये समझ आया? तो यहाँ पर स्मॉल बी से स्मॉल बी कटेगा, 2 से 2 कटेगा। ठीक है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? क्यू बराबर एफ अपॉन 3i, वहाँ पर आ रहा था एफ अपॉन 2i, यहाँ आएगा एफ अपॉन 3i। ठीक है, यहाँ त्रिभुज है तो 3 ले लीजिएगा, त्रिभुज में 3 आता है। यहाँ क्या बच गया? यहाँ आपका बाई बाहर है ब्रैकेट में, एच माइनस वाई है। आप अगर अंदर गुणा करेंगे तो आप कह सकते हैं एच बाई एच बाई, और माइनस का बाई में गुणा किया बाई का बाई में, तो बाई स्क्वायर। ये आ गया यहाँ से क्या, यहाँ से क्यू निकल के आ गया, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट मिलती थी ना क्यू की वैल्यू, वो ये आ गई। समझ आ रहा है सभी को ये चीज़? क्यू सभी को क्लियर हुआ? बोलिए यस, वेरी गुड। इसको आप एक इक्वेशन बना लीजिएगा यहाँ से, मैं इंक भर लूँ, आप इसको नोट कीजिए, इतना इतना आप नोट कीजिए, मैं इंक डाल लेता हूँ इसमें। चलिए क्लियर हो गया ये, अब आगे सॉल्व करते हैं, वही चीज़ देखेंगे फिर से, टॉप एंड बॉटम पर कितना होगा, क्यू मैक्सिमम कहाँ होगा, वैल्यू कितनी होगी, सबकी बात करते हैं। तो इसको मिटा रहा हूँ मैं, आप सबने लिख लिया होगा इसको, ठीक है, इसको रफ करते हैं।
और मैं यहां पर लिख देता हूं जो हमारे क्यू की वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू कितनी आई है, एफ अपॉन थ्री आई ब्रैकेट के अंदर एच वाई माइनस में वाई स्क्वायर, ये मिला है हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसको रफ करके देखते हैं टॉप एंड बॉटम पर क्यू की वैल्यू कितनी है, सभी जगह देखते हैं। चलिए सबसे पहले लिखेंगे अब यहां पर क्या, फर्स्ट पॉइंट शियर स्ट्रेस एट टॉप एंड बॉटम, यानी ऊपरी तथा निचले पॉइंट पर जो हमारे शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो टॉप पॉइंट पर अगर हम जाएंगे, यहां पर जाएंगे ऊपर, तो बाई की जगह कितना रखेंगे, जीरो, बिकॉज यहां से ऊपर से बाई हमने यहां तक लिया है, तो जब हम ऊपर जाएंगे तो बाई बराबर जीरो रखेंगे, तो लिख दीजिएगा यहां फॉर क्यू टॉप, फॉर क्यू टॉप, क्यू टॉप, क्यू टॉप के लिए y बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। y को जीरो रखो किस में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट में y जीरो रख दीजिए, यहां भी जीरो रखेंगे, यहां भी जीरो रखना पड़ेगा y, जब दोनों जगह जीरो रखा तो आप खुद बता दीजिए क्या मिलेगा आपको, f अपॉन थ्री आई ब्रैकेट के अंदर एच इंटू में यहां y की जगह भी जीरो माइनस यहां y की जगह भी जीरो, जीरो का स्क्वायर भी जीरो होगा। ठीक है, तो अब देखिए जीरो का किसी में भी मल्टीप्लाई करो जीरो होता है, और जीरो माइनस जीरो ब्रैकेट के अंदर जीरो आया, जीरो का इसमें गुणा किया पूरा क्या हो गया, जीरो। तो टॉप पर क्यू टॉप हमें जीरो मिल गया, हमें क्या मिल गया, क्यू टॉप जीरो। कोई भी सेक्शन हो सभी सेक्शन के लिए टॉप टॉप पर क्यू की वैल्यू जीरो आती है, ये चीज हम प्रूव कर चुके हैं, इस सेक्शन में भी जीरो आ गई। अब देखेंगे फॉर क्यू बॉटम, फॉर क्यू बॉटम, अगर मैं क्यू बॉटम निकाला तो बाई ऊपर से नीचे तक आएगा, यहां तक बाई इस बार एच है, नीचे तक एच हो जाएगा, तो वाई बराबर एच रखेंगे इस बार, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखो बाई की जगह पर एच, तो क्या आएगा, क्यू बराबर एफ अपॉन थ्री आई ब्रैकेट में एच इंटू वाई की प्लेस पर एच माइनस इस बाई की प्लेस पर एच, तो एच का स्क्वायर। ठीक है, यहां भी एच रख दिया, यहां भी एच रख दिया, अब खुद बता दीजिए कितना हो गया, एफ अपॉन थ्री आई ब्रैकेट के अंदर एच और एच होके एच स्क्वायर हो गया माइनस ये भी एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर में से एच स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्यू बराबर कितना आ गया, ये बॉटम है बेटा बॉटम, ठीक है, क्यू बॉटम, ये भी जीरो आ गया, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर जीरो मिलकर हो गया ना, तो ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो, यानी टॉप एंड बॉटम पर हमें पता चल गया क्यू कितना होता है, जीरो, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था इसलिए निकाल चुके हम लोग। अब देख लेते हैं क्यू मैक्सिमम कहां पर होगा, लोकेशन ऑफ क्यू मैक्स, हटाए इसको, बहुत बढ़िया समझते चलिए, चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी आपके लिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए बस। ठीक है, अब देखिए अगला सेकंड पॉइंट करके लिख लीजिएगा आप इसी के अंदर, क्या लिखेंगे, लोकेशन ऑफ, लोकेशन ऑफ क्यू मैक्स, फिर एंड वैल्यू ऑफ क्यू मैक्स, दोनों निकाल ले रहे हैं हम, वैल्यू ऑफ क्यू मैक्स मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लोकेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम के लिए लिख दीजिएगा फॉर क्यू मैक्स, फॉर क्यू मैक्स डी क्यू अपॉन डी वाई इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो डी क्यू अपॉन डी वाई के लिए हम डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी बाई, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे ना डिफरेंशियल, किसका, बाई ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का कीजिए, तो क्यू का हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी वाई बराबर, इधर करेंगे तो देखो एफ अपॉन थ्री आई कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, यहां पर एच कॉन्स्टेंट है, एच का एच रहेगा, वाई का हो गया डिफरेंशियल वन, वाई का क्या हो गया वन, समझ आ रहा है, माइनस यहाँ इस बाई का हो जाएगा टू बाई, इतना बोलिए, समझ आ रहा सभी को ये, बहुत बढ़िया। अब हमें इसको जीरो रखना है, इसको जीरो रख दीजिए बराबर जीरो, तो एफ अपॉन थ्री आई ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, एच माइनस टू बाई बचा, एच माइनस टू बाई, बहुत अच्छे, ये चला गया इधर जीरो में, तो आपका ब्रैकेट के अंदर जो एच माइनस टू बाई है, एच माइनस टू बाई बराबर क्या आया, जीरो आया, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, या फिर आप इसी क्रम में लिखा रहने दीजिए, इसी क्रम में मतलब इधर जीरो, इसको लेगा जीरो में, चला गया जीरो में, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड सब जीरो हो जाता है, इधर एच माइनस टू वाई बचा,
टू बाई को इस साइड ले आओ तो टू बाई बराबर क्या हो गया, टू बाई बराबर एच हो गया। टू बाई को लेके पॉजिटिव हो गया ना, डेट मीन्स यहाँ से बाई कितना आ गया दोस्तों, बाई आ गया यहाँ से एच बाई टू। अब हमें पता चल गया कि हमारा जो क्यू मैक्सिमम होगा कहाँ पर होगा, एच बाई टू पर। ऊपर से बाई हमारा यहाँ था और ऊपर से बाई जब एच बाई टू पर आएगा तो ये डिस्टेंस कितनी है, एच बाई टू है ये, यानी बिल्कुल बीच में आधी दूरी पर क्यू जो है हमारा कहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है, एच बाई टू पर। ऊपर से एच बाई टू तो नीचे से भी एच बाई टू ही होगा क्योंकि टोटल एच है। क्यू मैक्स की वैल्यू बोलिए, क्यू मैक्स की वैल्यू तो हमें ये पता चल चुका है क्या, इस बार न्यूट्रल एक्सिस पर नहीं है, न्यूट्रल एक्सिस तो हमारी कितनी है, नीचे से एच बाई थ्री और ऊपर से टू एच बाई थ्री थी, लेकिन हमें पता चला कि ऊपर से एच बाई टू पर आ रहा है मैक्सिमम, बाई बराबर एच बाई टू पर मैक्सिमम आ रहा है ना, तो ऊपर से एच बाई टू पर यहाँ आ रहा है मैक्सिमम। मैंने आपको डायग्राम में पहले ही बना दिया था, यहाँ पर ना के ऊपर आ रहा है, ठीक है, डायग्राम से हमें देख के पता चल रहा था, बट ये कन्फर्म हो गया अब एच बाई टू डिस्टेंस पर मैक्सिमम होगा, ऊपर से भी नीचे से भी। नीचे से भी कितनी दूरी होगी, ये सेम डिस्टेंस होगी, नीचे से भी कितनी दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो एच बाई टू ही होगा, यस, नीचे से भी एच बाई टू पर ही होगा मैक्सिमम, क्लियर ना, क्योंकि टोटल एच था। अगर आपसे पूछ ले कि ट्रेंगुलर सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस से कितनी दूरी पर होता है मैक्सिमम, तो क्या हम बता नहीं सकते न्यूट्रल एक्सिस से ये दूरी कितनी होगी, हमें पता है ये एच बाई थ्री है, अगर इस एच बाई थ्री में से ये इस एच बाई टू में से इस एच बाई थ्री को घटाएंगे तो हमें न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। अगर मैं कहूँ आपसे मुझे ये न्यूट्रल एक्सिस जा रही है हमारी, ये वाली ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो अगर इस न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तक की ये डिस्टेंस बतानी है तो क्या मैं न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तक की डिस्टेंस नहीं बता सकता, इस एच बाई टू में से इस एच बाई थ्री को माइनस कर दो, ये मिल जाएगा, यानी एच बाई सिक्स आ जाएगा, क्लियर ना, निकाल कर दिखा दें इस चीज़ को भी। तो एक तो हमें ये पता चल गया टॉप से एच बाई टू पर होगा मैक्सिमम, एंड दूसरा देखें न्यूट्रल एक्सिस से कितनी दूरी पर होगा, तो ये लिख लेंगे आप लोग, यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, टॉप से सेक्शन के टॉप फाइबर से या टॉप सरफेस से या टॉप से h by 2 दूरी पर या डिस्टेंस पर h by 2 दूरी पर q मैक्सिमम होगा, ये पहली लोकेशन पता चली। अब अगर मैं पूछूं आपसे न्यूट्रल एक्सिस से बताइए कितनी दूरी पर होगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल बता देंगे सर, न्यूट्रल एक्सिस से कितनी दूरी पर होगा बताइए, तो लिखिएगा न्यूट्रल एक्सिस से NA से कितनी दूरी आएगी, NA से इस एच बाई टू में से एच बाई थ्री माइनस कीजिए, एच बाई टू में से माइनस कीजिए एच बाई थ्री। जब आप LCM लेंगे 6 LCM आएगा, डेट मीन्स कितना आ रहा है, 6 आ जाएगा नीचे, 3 - 2S तो केवल H बचेगा, तो H बाई सिक्स न्यूट्रल एक्सिस से H बाई सिक्स दूरी पर Q मैक्सिमम होगा, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस से पूछे तो H बाई सिक्स दूरी पर, एंड अगर आपसे टॉप से या बॉटम से पूछे तो एच बाई टू दूरी पर, टॉप एंड बॉटम दोनों से, ठीक है, टॉप से भी एंड बॉटम से भी। यहाँ लिख लीजिएगा, क्या छोटा सा लिख दे रहा हूँ, टॉप एंड बॉटम दोनों से, कहीं से भी पूछ ले आपसे, टॉप बॉटम दोनों से एच बाई टू दूरी पर होगा, ठीक है, क्लियर हुआ, बोलिए यस और नो, क्लियर, यस। चलिए अब मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं, लोकेशन हमें पता चल चुकी है, अब मैक्सिमम वैल्यू देखिए, इसको हटा दें, अब क्यू मैक्स की वैल्यू देखेंगे, क्यू मैक्स की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, क्यू मैक्स की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, एच बराबर वाई अपॉन टू लिखेंगे, लिख दीजिए फॉर क्यू मैक्स वाई इक्वल टू एच बाई टू, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे यहां पर, तो क्या आ जाएगा यहां से आपका क्यू मैक्स बराबर एफ अपॉन थ्री आई ब्रैकेट के अंदर बाई के प्लेस पर एच बाई टू, तो यहाँ हो गया h into h/2, ठीक है, माइनस यहाँ भी h/2 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, तो यहाँ आ गया आपका f/3i ब्रैकेट में, ये हो गया h² / 2 माइनस यहाँ हो जाएगा h² / 4 हो गया, ठीक है। चलिए नीचे सॉल्व कर लेते हैं इसको सॉल्व कर लीजिए आगे, तो यहाँ से क्या आएगा, क्यू मैक्स लिखते चलिए, क्यू मैक्स आगे फिर क्यू मैक्स बराबर f/3i ब्रैकेट के अंदर देखिए एलसीएम ले लीजिए, 4 LCM आया, दो बार जाएगा ये 2h² - h² ठीक,
तो 2h स्क्वायर में से h स्क्वायर माइनस करेंगे, केवल h स्क्वायर बचेगा, h स्क्वायर अपॉन 4 बचा, 4 का 3 में गुणा 12 हो जाएगा। तो ऐसे q मैक्स कितना आ गया, q मैक्स बराबर आ गया f इंटू h स्क्वायर अपॉन में 12 i, ठीक है, अपॉन में 12 i। बोलिए समझ आया ये चीज़, ये चीज़ सभी को क्लियर है, कितना आ गया q मैक्स, सभी समझ गए, 12 i आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए याद रहेगा सभी को ये, ठीक है, हटा दें इसको, चलिए इसको हटाते हैं एंड अब देखते हैं आगे क्या, अब इसकी i की वैल्यू रख के देखते हैं एवरेज का कितने गुना होगा ये, ठीक है। चलिए हटा देते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को, आपको याद रहेगा q मैक्स बराबर कितना आया है f एच स्क्वायर अपॉन 12 आई, ठीक है, याद रहेगा, ये दिख रहा होगा शायद f एच स्क्वायर अपॉन 12 आई। नाउ नाउ अब हम i की वैल्यू पुट करके देखेंगे एवरेज का कितने गुना आएगा ये, ठीक। नाउ q मैक्स बराबर f इंटू एच स्क्वायर अपॉन 12 है और i मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम टोटल सेक्शन का निकालते हैं, त्रिभुजाकार काट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सबने पढ़ा है क्या होता है, होता है बी एच की पावर 3 अपॉन आयत में 12 आता है, इसमें 36 आता है, 36 कितना था 36, समझ पा रहे हैं, तो यहाँ से ये 36 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से क्यू मैक्स कितना हो गया, क्यू मैक्स बराबर 36 ऊपर चला गया, 36 एफ एच स्क्वायर अपॉन में 12 है बी एच की पावर 3, तो यहाँ देखिए 12 दिया 36 एच स्क्वायर से पावर खत्म, तो ऊपर बचा 3, कितना बचा ऊपर 3 बचा एफ अपॉन बी एच, 3f अपॉन बी एच बचा, ये तो आ गया क्या क्यू मैक्स का फॉर्मूला। अभी हमें पता है हम एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ से हमने क्या लिखा, हमने लिख दिया क्यू मैक्स बराबर बिना आई के टर्म में आ गया ये 3 इंटू एफ अपॉन बी एच आ गया, ठीक, ये आ गया। अब मैं अगर क्यू एवरेज निकालूँ, क्यू एवरेज तो हमें पता है क्यू एवरेज क्या होता है, शियर फोर्स अपॉन में एरिया होता है, ठीक है, शियर फोर्स एफ और त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार बी इंटू एच होगा, ठीक है, इस दो को ऊपर ले जाओ आप, तो दो आप ऊपर ले गए, यहाँ से दो ऊपर ले, कितना आ गया ये f अपॉन बी एच, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर मैं यहाँ से f अपॉन बी एच की वैल्यू निकाल दूँ तो 3 को इस साइड ले जाएंगे, q मैक्स अपॉन 3 आएगा ये, बोलिए समझ आ रहा है, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ f अपॉन बी एच की जगह पर q मैक्स लिख सकता हूँ, ठीक, ताकि हम इन दोनों में कंपेयर कर पाएँ q एवरेज में और q मैक्स में, क्लियर ना। या फिर आप ये समझ लीजिए, इसको 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 2 को इस साइड ले जाओ यहाँ पर, तो यहाँ से इस साइड ले जाएंगे क्या आ जाएगा, क्यू एवरेज q एवरेज अब इक्वल टू f अपॉन बी एच आ गया, ठीक, जहाँ f अपॉन बी एच है वहाँ पर q एवरेज की वैल्यू रख दो, यहाँ पर रख दें इस वैल्यू को, जब यहाँ आप q एवरेज की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा निकल के, ये ऊपर का हटा रहा हूँ मैं, प्लीज़ करके आप नोट कीजिए जल्दी से, यस इसको मिटा रहा हूँ मैं, काफ़ी लंबा पोर्शन है ये, आपकी बुक में तो दिया भी नहीं शायद ये वाला, तो यहाँ से हो गया q max इक्वल टू, यहाँ 3 पहले से था और f अपॉन बी एच की जगह पर हम q एवरेज अपॉन 2 लिखेंगे, q एवरेज अपॉन 2 लिखेंगे, तो ये भी 1.5 गुना आएगा, यहाँ भी q max बराबर कितना आ गया 1.5 q एवरेज आ गया, यहाँ भी 1.5 गुना ही होता है, ट्रायंगल के केस में भी कितना आता है q max 1.5 गुना ही आता है, उम्मीद है समझ पाए होंगे सभी। यहाँ पर f अपॉन बी एच नहीं रहता ट्रायंगल में, q एवरेज की वैल्यू 2f अपॉन बी एच होती है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, ठीक है। हाँ चलिए हटा दें इसको, तो यहाँ भी 1.5 ही आ रहा है, क्लियर हुआ ये चीज़, चलिए हटाते हैं, तो यहाँ आप इसको डायग्राम में शो कर दीजिए, इसको डायग्राम में आप शो कर दीजिए, ठीक, इतना ही था ट्रायंगल का, कवर हो गया। देखिए बड़ा तो है भाई ये तो हम मान सकते हैं बड़ा है, लेकिन आपका कोई कैसा भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इसके बाद, है आसान, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्यू एवरेज, एवरेज मतलब एवरेज शियर स्ट्रेस का 1.5 गुना होता है, आयत में भी 1.5 गुना आता है मैक्सिमम की वैल्यू, ट्रायंगल में भी 1.5 गुना ही आती है, लेकिन जब हम वृत्त पढ़ेंगे उसमें 1.33 टाइम आएगा। इन चीज़ों को आप जरूर याद करें, ऑनलाइन एग्जाम हुए तो हेल्प करेगा उसमें आपको, एमसीक्यूज में काफ़ी हेल्प करेगा, और ये जेई वाला कंटेंट रहता है, मुश्किल ही आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन फिर भी तैयार कर लेते हैं, बुक में है, सिलेबस में है चैप्टर, तो हम तैयार करेंगे पूरी तरह से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सर्कुलर, इसको रफ करते हैं, चलते हैं सर्कुलर की ओर, मूव करते हैं, ठीक है। आप इसमें याद क्या करना चाहें तो आप ये याद कर लीजिएगा और ये डायग्राम बस, बाकी अगर आप कमाने ये चाहते तो ये भी कर लीजिए एज यू विश, ठीक है। हटाएं इसको, चलिए इसको हटाते हैं और देखते हैं अगला। अच्छा, इसको मिटाने से पहले आप लोग इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेना कि अगर आपसे इस न्यूट्रल एक्सिस पर, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है ना, इस न्यूट्रल एक्सिस पर टाउ मैक्स की वैल्यू पूछ ले, किस पर, न्यूट्रल एक्सिस पर इसकी क्यू की वैल्यू,
तो क्यू न्यूट्रल एक्सिस पे कितना था, क्यू एन ए लिख दिया मैंने इन शॉर्ट। तो यहाँ पर ये एवरेज का 1.33 टाइम आएगा, 1.33 टाइम आता है एवरेज का, ठीक है, क्यू न्यूट्रल एक्सिस पर। अब आप कहेंगे न्यूट्रल एक्सिस पर हम क्यू कैसे निकालेंगे, तो अगर आपको न्यूट्रल एक्सिस पर निकालना तो आप बाई की वैल्यू देखिए, बाई यहाँ पर था और न्यूट्रल एक्सिस तक आएंगे तो बाई की वैल्यू 2h/3 होगी, y बराबर कितना होगा 2h/3। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, y के प्लेस पर इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पर 2h/3 रख करके देखिएगा, तो वहाँ से आपको q की वैल्यू मिल जाएगी, q न्यूट्रल एक्सिस पर कितना आ रहा है, ठीक है। जब आप इसको रखेंगे यहाँ पर तो ये जो वैल्यू आएगी ना आपकी न्यूट्रल एक्सिस पर निकल करके, ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी 8f/, ये आएगी वैल्यू आपकी 8f/3bh इसे रखने पर, ठीक है, 3bh। एंड आपने अभी अभी क्या देखा था, ये q न्यूट्रल एक्सिस पर हो गया, आपने देखा था ये तो 8/3 है, और आपने देखा f/2h है, ये क्या आया था हमारा f/2h, q एवरेज अपॉन 2 आया था, q एवरेज अपॉन 2 आया था f/bh, पीछे हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ से चार बार करता है, इस तरह से q न्यूट्रल एक्सिस पर जो आता है 4/3 आता है q एवरेज का, तो 4/3 को हम 1.33 कहते हैं। तो ये चीज़ भी आप ऐड कर लीजिए नोट्स में, इसका डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूट्रल एक्सिस पर कितना होगा क्यू की वैल्यू, तो आप बाई की जगह पर यहाँ से यहाँ तक 2h/3 पुट कीजिएगा, पूरा सॉल्व करने पर वैल्यू ये मिलेगी, f/bh की वैल्यू आप निकाल लेना क्यू एवरेज से 4/एरिया करके, ये क्यू एवरेज बाई 2 होगा, सॉल्व करेंगे 4/3 क्यू एवरेज, इसको 1.33 कहते हैं। तो न्यूट्रल एक्सिस पर 1.33 होती है एवरेज का, डायरेक्ट भी आप याद कर लीजिए, अपने नोट्स में इसका डेरिवेशन जरूरत नहीं करने की आपको, आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा क्योंकि अगर एग्जाम ऑनलाइन होते हैं तो एमसीक्यू जिससे बन सकता है, ठीक है, नोट कर लेंगे ना इस चीज़ को। चलिए अब इसको पूरी तरह से रफ कर देते हैं और देखते हैं सर्कुलर सेक्शन के लिए, चलिए समझते हैं। तीसरा डेरिवेशन है हमारा ये फॉर सर्कुलर सेक्शन, वृत्ताकार काट के लिए, वृत्ताकार काट के लिए देखेंगे हम शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा, ठीक है। ये डायग्राम मैंने पहले ही बना दिया, बिकॉज सर्कल सीधा बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले बना दिया स्टार्टिंग में, ठीक। तो आपको लिखना क्या है, चित्र में एक सर्कुलर सेक्शन दिखाया गया है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर। रेडियस क्या होती है, इसके सेंटर से लेकर के परिधि तक की दूरी, मान लो ये वाली है, आपने स्मॉल आर मान रखी है, ठीक है, स्मॉल आर। एंड इसमें बाई दूरी पर ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे, बाई दूरी पर दूरी दिखा दीजिए, बिल्कुल सीधा बनाइएगा प्लीज़, इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे क्योंकि ये ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर से थोड़ा हटकर है। बाई दूरी पर एक स्ट्रिप ले रखी है, स्ट्रिप मतलब पट्टी, जिसकी मोटाई है dy, आप dy मोटाई की एक स्ट्रिप मान सकते हैं। इतना सभी को समझ आ रहा है, बोलिए इतना क्लियर है सबको, ये चीज़ समझ आई। एंड हमने मान लिया इस स्ट्रिप से ऊपर ये वाला पूरा शेडेड पोर्शन है, ठीक, शेडेड पोर्शन ऊपर लेना है आपको, बीच में स्ट्रिप भी माननी है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। अब अगर मैं बात करूँ इस शेडेड पोर्शन में जो स्ट्रिप ले रखी है, इस स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई कितनी है, तो सपोज आप यहाँ मान लो ये डिस्टेंस एक्स है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्स डिस्टेंस, सेम इधर भी एक्स होगा, दोनों तरफ बराबर होगा, बिकॉज हमने सेंटर से लाइन खींची ऊपर ये, तो जितना इधर है एक्स इतना इधर होगा एक्स, सेंटर से अगर हमने यहाँ तक लाइन सीधी खींची है इधर एक्स, तो ये भी एक्स, टू एक्स हो जाएगा, और इसकी चौड़ाई बी कितनी आ जाएगी, 2x आ जाएगी। इतना समझ पा रहे हैं, ये बोलिए क्लियर है सभी को। तो पहले मैं इस स्ट्रिप की चौड़ाई निकाल लेता हूँ, ठीक। डायग्राम के बारे में सभी लिख लेंगे, डायग्राम के बारे में क्या लिखेंगे, अब चित्र में एक सर्कुलर सेक्शन दिखाया गया है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, एंड इसमें सेंटर से बाई दूरी पर एक स्ट्रिप ली गई है जिसकी मोटाई dy है, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे स्ट्रिप की चौड़ाई, विड्थ ऑफ स्ट्रिप। सपोज मैंने स्ट्रिप जो है, पट्टी जो है, इसकी चौड़ाई b मान रखी है, तो b बराबर 2x होगा, b बराबर कितना होगा 2x, ठीक है। x की वैल्यू देखो क्या आएगी, x अगर आप इसमें ट्रायंगल ले लेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम सभी ने पढ़ी है, तो यहाँ से स्ट्रिप की चौड़ाई b बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इंटू एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ये वाली देखिए, ये परपेंडिकुलर है, ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा r² - y², ये चीज़ सभी को समझ आ रही है। x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना आप लोग, ये है आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर को साइड ले जाएंगे तो ये निकल आएगा, ठीक है, चौड़ाई निकल गई। एंड अब चौड़ाई निकलने के बाद अब हमें निकालना क्या है, इसका मेन हमें निकालना है शियर स्ट्रेस, मेन निकालना है हमें शियर स्ट्रेस, जिसका फॉर्मूला हमें पता होता है क्यू बराबर FA/r / IB होता है, ठीक है, बी। तो हमने चौड़ाई ऑलरेडी निकाल ली, 2√r² - y² I की फॉर्म में आंसर लाएंगे हम,
एफ की फॉर्म में, अब रह गया हमारा ए बाई बार। अब यहाँ पर एरिया और बाई बार दोनों एक साथ निकलेगा, यहाँ पर क्या एरिया और बाई बार हमें दोनों ही एक साथ निकालना है। इस चीज़ की आप लोग थोड़ी सी, इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर एरिया लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ स्ट्रिप, यहाँ लिख लेते हैं क्या एरिया ऑफ स्ट्रिप, लिख दीजिए एरिया ऑफ स्ट्रिप। इस पट्टी का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे एरिया, तो यहाँ पट्टी का एरिया हम डी ए मानेंगे, ठीक है, छोटी सी पट्टी है इसलिए इसका एरिया क्या आएगा डी ए, क्योंकि टोटल हम इसका ना लेकर के केवल स्ट्रिप का ले रहे हैं, डी ए लिखेंगे इसको। इसका थोड़ा डेरिवेशन अलग टाइप से हो रहा है, समझते चलिएगा प्लीज करके। डी ए निकलेगा तो क्या आएगा, ये टू एक्स इसकी चौड़ाई, टू एक्स जिसकी वैल्यू क्या है चौड़ाई बी आई थी ना, ये यानी बी इंटू डी वाई होगा, नहीं होगा ये, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ डी ए तो डी ए यहाँ से क्या मिल जाएगा, बी की वैल्यू ये है टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर रूट में इंटू में डी वाई, ये वैल्यू आ गई हमारी एरिया की, ठीक। ये तो क्या है हमारा, बी की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर बी, और इंटू में ये वाला डी वाई कर दिया, यहाँ समझ आ गया सभी को, ये क्या आ गया इसका एरिया। इतना बोलिए, इतना सभी को क्लियर है, यहाँ तक एरिया सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं, अब देखते हैं ए बाई बार कितना आएगा। यहाँ बाई बार अकेला नहीं निकलेगा, यहाँ पूरा ए बाई बार हमें निकालना होगा। ए बाई बार मूवमेंट ऑफ एरिया कहते हैं इसको, मूवमेंट ऑफ एरिया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डेरिवेशन कराया था फॉर्मूला, वहाँ पर ए बाई बार का मैंने इंटीग्रल की फॉर्म में आपसे कहा था, लिमिट लिखते हैं यहाँ पर, और जहाँ कहीं भी आपका डी ए इंटू वाई लिखा हो, क्या लिखा हो स्मॉल एरिया इंटू वाई, उसी को हम क्या कह देते हैं, उसी को हम मोमेंट ऑफ एरिया कहते हैं। यहाँ लिमिट कितनी होगी, देखो पट्टी यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर है, बाई दूरी पर, एंड यहाँ से बाहर तक रेडियस आर होगी, तो बाई से लेकर के आर तक लिमिट रहेगी डी ए इंटू वाई। ये चीज़ बोलिए, ये चीज़ सभी को समझ आ रही है, यहाँ तक सभी को क्लियर है, बोलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। ए बाई बार की वैल्यू क्या आ रही है, मैंने कुछ नहीं किया सिंपल, अभी सिर्फ इसमें ये एक्स दूरी मानी थी, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई निकाल ली बी की वैल्यू, टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर आई, ठीक, चौड़ाई मिल गई हमें, ये चौड़ाई मिलने के बाद हमने डी ए निकाला, तो बी इंटू डी वाई है, चौड़ाई बी इंटू डी वाई मोटाई थी, बी की वैल्यू ये वाली यहाँ रख दी, तो हमें डी ए की वैल्यू मिल गई। अब डी ए की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए और इस इंटीग्रल को सॉल्व करके ए वाई बार निकाल दो, तो ए वाई बार बराबर इंटीग्रल ऑफ कितना है, वाई से आर है, डी ए की वैल्यू ये वाली टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और इंटू में अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर होने के बाद इंटू में, ये डी वाई भी था यहाँ पर, डी वाई था डी वाई, ये तो किसकी वैल्यू रख दी हमने, ये तो हमने डी ए की वैल्यू लिख दी, डी ए की ये वाली वैल्यू, पीछे यहाँ पर वाई है इंटू में। इतना बोलिए, इतना समझ आ रहा सभी को, यहाँ तक सबको क्लियर है चीज़ें, बहुत बढ़िया। चलिए आगे समझते हैं, ठीक है, देखिए इस टू को बाहर ले लीजिए, ए वाई बार इक्वल टू टू आपने बाहर लिया, इंटीग्रल बाई से आर, अंडर रूट में क्या बचा, ये अंडर रूट बचा आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, इंटू में ये बाई डी वाई बचेगा, बाई डी वाई, यहाँ तक क्लियर। इंटीग्रल सॉल्व करना आप सबको आता है अच्छे से, यहाँ पर आप इस रूट वाले को मान लीजिए टी, माना इस रूट को टी स्क्वायर मान लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या अंदर वाले को टी स्क्वायर, या रूट को टी मान लो, कैसे मान लो, ठीक है, रूट को टी मान रहा हूँ, माना अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर टी मान लिया, ठीक। टी मानने के बाद फिर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब डिफरेंशियल कर दो, बाई के रिस्पेक्ट में हो रहा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू बाई, बाई के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है आर, इसका जीरो हो जाएगा, माइनस इसका होगा टू बाई इंटू डी वाई बराबर टी का हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो गया, सॉरी दोनों साइड के स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, इधर से रूट हटेगा, तो टू टी इंटू डी टी आ गया, ठीक, टू से और टू कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ बचेगा बाई डी वाई की वैल्यू, बाई डी वाई इक्वल टू माइनस इस साइड लिख दो टी इंटू डी टी, क्लियर हुआ। इस वैल्यू को ऊपर इंटीग्रल में पुट कीजिए, यहाँ पर पुट कीजिए इंटीग्रल में, तो क्या आएगा, चलिए रख लेते हैं, तो यहाँ से आ गया आपका ए बाई बार इक्वल टू लिमिट बाई से आर, चाहे बाहर भी टू है इसके, सही से रखिए वैल्यूज को, यहाँ पर भी टू है, यहाँ टू लिखा, इंटीग्रल ऑफ यहाँ पर कीजिए, ये क्या बाई है, ठीक है, और ऊपर क्या आर है, इसकी जगह पर हमने टी माना है, इसको टी रख दिया इंटू, सॉरी रूट को टी माना, टी रख दिया, बिल्कुल सही। बाई डी वाई क्या आ रहा है, यहाँ से निकल के बाई डी वाई की वैल्यू क्या आई है, बाई डी वाई है, माइनस में है, तो माइनस को बाहर ले रहा हूँ मैं, टी इंटू डी टी, इंटीग्रल करना आता है ना सबको, ये हो गया इतना। इसके बाद और देखिए आगे क्या आएगा, यहाँ से ए वाई बार, ये बस ए वाई बार निकालना है, इसमें थोड़ा मुश्किल था, अब कोई दिक्कत नहीं, माइनस टू बाहर है, इंटीग्रल ऑफ वाई से आर, टी इंटू टी हो गया टी स्क्वायर इंटू डी टी, ए वाई बार इक्वल टू टू बाहर, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टी का, टी की पावर थ्री अपॉन थ्री होगा, ठीक है, माइनस बाहर है माइनस, यहाँ वाई से आर, ठीक। इसके बाद क्या, थ्री को बाहर ले लीजिए आप, थ्री बाहर आ गया, माइनस का टू अपॉन
ये हो गया 3, ठीक, अंदर बचेगा t की पावर 3, यहाँ पर लिमिट क्या है 22 से r। अब t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू अंडर रूट में है, ये इसको रख दीजिए t के प्लेस पर, तो माइनस में 2/3 और यहाँ आ जाएगा t की जगह पर अंडर रूट वाली वैल्यू आएगी, रूट को मैं लिख सकता हूँ r स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर इसकी पावर 1/2 और ये 3 पावर है, तो 3/2 पावर हो जाएगा मिल करके। लिमिट क्या है y से r, हमने इंटीग्रल किया बाई के रिस्पेक्ट में, तो जहाँ पर बाई है पहले तो वहाँ पर आर रखिए फिर वहाँ पर बाई रखिए, तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इक्वल में माइनस का 2/3 रखिए लिमिट, देखिए पहले रखेंगे आर बाई के प्लेस पर, तो आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0 हो जाएगा, फिर माइनस में अब रखेंगे बाई के प्लेस पर बाई, तो क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इसकी पावर 3/2, हमने लिमिट भी पुट कर दी, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया ये, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ से मिल गया ए वाई बार बराबर आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में नीचे 3 है, ये आ गई ए वाई बार की वैल्यू, बस यही थोड़ा मुश्किल था ए वाई बार निकालना, अब आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए ना सभी लोग, चलिए बहुत बढ़िया, आगे सॉल्व करें इसको, अब इसको रफ करते हैं और जो हमारा मेन फॉर्मूला है उसमें सभी वैल्यूज को पुट करते हैं, क्या क्या वैल्यू हमें मेन चाहिए, ए वाई बार की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए, बी हमारा ये है, बी ये है, ठीक है, हटाएं इसको, चलिए इसको रफ करते हैं, सबको नोट कीजिए आप लोग जल्दी से, अब ज़्यादा नहीं बचा, बस निकल गया, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, ये डेरिवेशन थोड़ा सा अलग टाइप का था, बी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बी जो आया है 2/√r² - y², ठीक है, यहाँ लिख दो आप शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस q बराबर 5 FA y² / IB, ठीक है, यहाँ से लेके Q बराबर F/I को बाहर रखिए, इसकी फॉर्म में हम लाएंगे सॉल्व करके, ए वाई बार की वैल्यू डायरेक्ट पूरी वैल्यू ये पुट करनी है आपको, कितनी वैल्यू है 2 ब्रैकेट में r² - y² / 3/2 और अपॉन में ये 3 था, 3 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 2/3 था ना, 3 नीचे आ गया, और नीचे b बचा, b की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, b क्या है, b है आपका 2√ r² - y², ये समझ आया सभी को, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ से क्यू बराबर आ गया, देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 को बाहर ले लीजिए तो F/3i, ये भी 3i की फॉर्म में आता है, और अंदर क्या बचेगा, इस r² - y² / 3/2 है, और जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे, रूट का मतलब 1/2 पावर होती है, 1/2 पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी 1/2 पावर इसमें से, ये बोलिए क्लियर है सभी को, ये चीज़ सभी को समझ आ रही है यहाँ से, बहुत बढ़िया, अभी देखिए क्यू बराबर क्या आ गया, यहाँ से q बराबर आ गया F/3i ब्रैकेट के अंदर, ये 2 LCM आएगा, ऊपर बचेगा 2/2, 1 बचा सिर्फ, पावर 1 बचेगी, यानी 3/2 में से 1/2 घटाएंगे तो 1 पावर बचेगी, तो r² - y² सिर्फ इतना सा आएगा, ये आ गया फॉर्मूला निकल के, r यहाँ पर रेडियस है, ठीक है, सर्कल की क्या है, रेडियस है, निकल गया q, इक्वेशन फर्स्ट मिल गई, यही सबसे मेन था निकालना बस, अब तो आगे की चीज़ें आपको पता है सबको अच्छे से, सबसे पहले टॉप पर निकालेंगे फिर बॉटम पर निकालेंगे, चलिए करते हैं, सब जल्दी जल्दी कीजिएगा, नंबर 1 शियर स्ट्रेस एट टॉप एंड बॉटम, तो यहां पर क्यू टॉप के लिए देखिए, फॉर क्यू टॉप के लिए वाई बराबर कितना रखेंगे, जब इस वाई को टॉप तक ले जाएंगे तो रेडियस हो जाएगी, वाई बराबर आर रखेंगे, आर को पुट कीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट, जब फर्स्ट में रखेंगे यहाँ पर तो q बराबर मिल जाएगा टॉप पर F/3i ब्रैकेट में r² तो है ही, और y के प्लस पर भी r रखा तो r² - r² 0, आपको बताया भी था, अगर हम टॉप पर निकालते हैं या फिर हम बॉटम पर निकालते हैं शियर स्ट्रेस की वैल्यू, डायग्राम वही पैराबोलिक ही बनेगा, ठीक, डायग्राम वही पैराबोलिक ही बनेगा, सही से बनाइएगा, ठीक है, चलिए न्यूट्रल एक्सिस सही से बीच में नहीं आ रही है, बिल्कुल बीच में आनी चाहिए, हालांकि सेंटर है तो पूरा,
सही कर लीजिएगा प्लीज, है ना आप लोग। तो यहाँ पर भी क्यू जीरो, यहाँ पर भी क्यू जीरो, टॉप एंड बॉटम पर देखो, टॉप पर निकाल चुके, बॉटम पर देखो, बॉटम पर फॉर क्यू बॉटम, क्यू बॉटम के लिए y बराबर, इस बार y यहाँ तक y था, अब y को नीचे लाएंगे यहाँ पर, तो y कितना आएगा नीचे तक, नीचे तक माइनस आर आएगा, y y नीचे कितना आएगा, माइनस आर, माइनस आर पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे इसको तो क्या आएगा, यहाँ से q बॉटम f अपॉन थ्री आई, एफ अपॉन थ्री आई, यहाँ तो r स्क्वायर है पहले से, माइनस इसमें माइनस का r स्क्वायर करेंगे, माइनस का r स्क्वायर, तो स्क्वायर से माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी जीरो आएगा, टॉप एंड बॉटम दोनों पे जीरो आ गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब लोकेशन देखेंगे मैक्सिमम की कहाँ आएगी लोकेशन, चलिए हटाएं इसको, देखते रहिए समझते रहिए, ठीक है आप लोग नोट करते रहिएगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके बाद अब आगे देखेंगे हम क्या, सेकेंड चीज, लोकेशन ऑफ क्यू मैक्स, लोकेशन ऑफ क्यू मैक्स, क्यू मैक्सिमम कहाँ होगा, एंड क्यू मैक्स की वैल्यू, वैल्यू ऑफ क्यू मैक्स, क्यू मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो लोकेशन के लिए पहले क्या लिखेंगे, फॉर क्यू मैक्स, क्यू मैक्स के लिए हम डिफरेंशियल करते हैं क्यू का बाई के रिस्पेक्ट में और इसको जीरो के बराबर रखते हैं, तो कीजिए डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट का क्या आएगा, डी क्यू अपॉन डी वाई बराबर, ये तो कांस्टेंट है एफ अपॉन थ्री आई, ब्रैकेट के अंदर आर कांस्टेंट जीरो, माइनस इसका हो जाएगा टू वाई, क्लियर ना, इस टू को इधर ले आओ, इसको जीरो रखो, माइनस टू बाहर आएगा, माइनस टू अपॉन थ्री आई, एफ यहाँ था, इधर क्या बचा, वाई बचा, ठीक है, ये पूरा जीरो में चला गया, वाई बराबर क्या गया, जीरो, वाई बराबर जीरो पर, वाई बराबर जीरो पर क्यू क्या होगा, क्यू मैक्स होगा, डेट मीन्स वाई बराबर जीरो कहाँ पर है, वाई को जीरो पर लाएंगे न्यूट्रल एक्सिस पर, डेट मीन्स क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस पर शियर स्ट्रेस, न्यूट्रल एक्सिस पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो हमें पता भी चल रहा न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल बीच में होती है सेंटर पर, न्यूट्रल एक्सिस जो होती है हमारी बिल्कुल सेंटर पर होती है, बीच बीच में यहाँ बिल्कुल बीच में ही सबसे मैक्सिमम आएगा, ये क्यू मैक्सिमम कहाँ आएगा, बीच में यहाँ आएगा क्यू मैक्स, ठीक है क्लियर ना। अब कितना आएगा, तो बाई रख दो समीकरण एक में, बाई की जगह जीरो रख दो, इसको लिखिए, हटाते हैं इसको, इसको हटाते हैं, फॉर क्यू मैक्स बाई इक्वल टू जीरो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, चलिए लिखिए क्या लिखेंगे, फॉर क्यू मैक्स वाई इक्वल टू जीरो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ वाई इक्वल टू जीरो रखो, क्यू बराबर क्या आ गया, क्यू मैक्स, क्यू मैक्स बराबर आ गया एफ अपॉन थ्री आई, ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस ये जीरो हो गया, डेट मीन्स यहाँ से आ गया आपका एफ इंटू में आर स्क्वायर अपॉन थ्री आई, तो यहाँ से अगर इसको डी के पदों में लिखेंगे तो क्यू मैक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये एफ आ गया इंटू आर स्क्वायर है, तो चलो आर स्क्वायर के पदों में लिख दो, आर स्क्वायर अपॉन थ्री आई आ गया, अगर हम इसको डी लिखेंगे तो ये रेडियस का डाया का आधा होता है रेडियस, तो एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन दो का स्क्वायर चार होगा, चार थी बारह, बारह आई एफ डी स्क्वायर अपॉन बारह आई, यहाँ पर डी क्या है, यहाँ पर डी डाया है, डाया ऑफ सर्किल, ठीक है ब्यास है, ब्यास समझ आ गया। अब यहाँ आई की वैल्यू पुट करके देखेंगे एवरेज का कितने गुना होगा, मैं इधर का मिटा रहा हूँ, इधर का मिटा रहा हूँ, इधर निकाल देते हैं हम, ठीक है नाउ करके लास्ट है ये, हो गया ज़्यादा नहीं है, लिख दीजिए यहाँ पर नाउ क्यू मैक्स बराबर कितना आया, मैं डी वाला ले रहा हूँ, एफ इंटू डी स्क्वायर, एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन में बार है आई, और आई की जगह पर आई की वैल्यू रख दीजिए। अब सर्किल का आई कितना होता है, पाई डी की घात चार बट्टे चौंसठ होता है, पाई डी की घात चार बट्टे चौंसठ, हम सब ने पढ़ा है, चौंसठ ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ से, तो ऊपर हो जाएगा चौंसठ हो गया, एफ हो गया डी स्क्वायर, नीचे कितना है बारह है, पाई है और डी की पावर फोर है, इससे डी की पावर दो कट जाएगा, दो पावर बचेगी सिर्फ, और चौंसठ बट्टे बारह चाहे तो काट लीजिए, अभी इतना ही छोड़ दीजिए, पहले पहले इतना ही छोड़ दीजिए इसको, या काट दो, कितने से कटेगा, चार से काट लो, चार से सोलह चौक चौंसठ होता है, बट्टे नीचे तीन बचेगा, ठीक है, ऊपर क्या बचा, केवल एफ बचा ऊपर, नीचे बचा पाई बचा और डी स्क्वायर बचा, इतना ही तो बचेगा,
ये क्यू मैक्स आ गया। अब हम पहले क्यू एवरेज निकालना, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे उसकी। समझ आ गया सभी को ये? एक तो वैल्यू ये आ रही थी, फॉर्मूला ये आ रहा था आपका, एक फॉर्मूला तो क्या आ रहा था क्यू मैक्स का, यहाँ लिख देता हूँ मैं। क्यू मैक्स का फॉर्मूला आ रहा था आपका एफ डी स्क्वायर अपॉन बार है आई। इस फॉर्मूले से ही हमारा क्या निकल के आया, इससे हमारा ये निकल के आया, ठीक है। इधर का मिटा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे एवरेज से, एवरेज से कंपेयर कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कितने गुना हमें मिलेगा ये। चलिए एवरेज से कंपेयर कीजिए, यहाँ लिखेंगे क्या, क्यू एवरेज। क्यू एवरेज क्या होता है, सीयर फोर्स अपॉन में एरिया, तो एफ अपॉन एरिया लेंगे, सर्किल का एरिया, साइड नहीं सर्किल का पूरे का, तो पाई डी स्क्वायर बाई फोर होता है अपॉन फोर, ठीक है। फोर को ऊपर ले जाओ तो क्या हो गया, फोर हो गया इंटू में एफ हो गया, अपॉन में क्या आ गया, पाई डी स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू एफ अपॉन पाई डी स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ से एफ अपॉन पाई डी स्क्वायर निकालो, तो एफ अपॉन पाई पाई डी स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, चार को चले जाएंगे तो क्यू एवरेज बाई फोर आएगा, ये क्यू एवरेज बाई फोर। इसको इसको पुट करो आप, इसको पुट करो क्यू एवरेज बाई फोर, यहाँ रख दो एफ अपॉन पाई डी स्क्वायर की जगह, तो क्यू मैक्स देखो कितना आ गया, सोलह बट्टे तीन तो ये है, इंटू में क्यू एवरेज बाई फोर रख दो इसकी जगह पर, कितना क्यू एवरेज बाई फोर। तो इससे काटेंगे, चार बार कट गया तो चार बट्टे तीन आ गया, चार बट्टे तीन क्यू एवरेज, चार बट्टे तीन को 1.33 कहते हैं। आपको ये मैंने बताया भी था, सर्कुलर में मैक्सिमम जो आता है 1.33 आता है क्यू एवरेज का, बाकी दोनों में 1.5 आता है, 1.33। समझ आ गया सभी को ये, क्लियर है ना, समझ आया ना। तो यहाँ पर जो ये क्यू मैक्स की वैल्यू है कितनी आएगी, 1.33 आती है क्यू एवरेज का। क्लियर हुआ सभी को ये? तो ये था आपका सर्कुलर। इसमें क्या याद रखेंगे आप, बस ये डायग्राम, टॉप बॉटम पर 0, 0, न्यूट्रल एक्सिस पर सबसे ज़्यादा, न्यूट्रल एक्सिस पर सबसे ज़्यादा कितना होता है एवरेज का, 1.33 होता है, चार बट्टे तीन गुना होता है, ठीक है, क्यू एवरेज का। फॉर्मूला क्या आता है निकल के, नॉर्मल जो आता है क्यू, एफ अपॉन थ्री आई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है। मैक्सिमम कितना आता है, एफ डी स्क्वायर अपॉन बारह आई आता है, या फिर एफ अपॉन पाई डी स्क्वायर के पदों में कितना आता है, सोलह एफ अपॉन थ्री पाई डी स्क्वायर, एवरेज के टर्म में ही आ गया। क्लियर हुआ सभी को ये? समझ आया होगा, नहीं भी समझ आया तो स्किप कर लीजिएगा इसको, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था लेकिन थोड़ा लेंदी पार्ट था इसका, तो मैंने आपको तीनों के तीनों करा दिए, जो कि काफ़ी लेंदी पोर्शन था। आई थिंक आप खुद से करते हो तो आप कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता, अब आपको थोड़ा हेल्प हो पाई होगी इससे। अगर आपकी वास्तव में हेल्प हुई है तो आप लोग नोट्स बना के इसको रिवीजन कीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब इसका जो अगला पार्ट है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा, बिकॉज डेरिवेशन में ही काफ़ी लेंदी पार्ट हो गया। अब अगर इसी में मैं न्यूमेरिकल ऐड करूंगा तो काफ़ी लेंदी पार्ट और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये, एंड आप बोर होंगे फिर, और मैं नहीं चाहता कि आप अब बोर हो, इसलिए अगले पार्ट में करेंगे इसको कंप्लीट, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।